So the objectives of the session is very simple. First of all, we'll have an introduction to Plotly. Plotly क्या होता है और क्यों Plotly पे काम कर रहे हैं. Then we will have an introduction about these eight different plots in Plotly. ठीक है. So अगर तुम इस वेबसाइट पे जाओ Plotly/Python, यहाँ पे यू विल फाइंड ऑल द ग्राफ्स और विजुअलाइजेशंस दैट आर प्रेजेंट इन दिस लाइब्रेरी. सो देर आर अ लॉट ऑफ विजुअलाइजेशंस पॉसिबल इन प्लॉटली. बेसिकली प्लॉटली, इफ यू आस्क, इज अ कंपनी बेस्ड आउट इन कैनेडा और इनका जो मेन प्रोडक्ट है उसका नाम भी प्लॉटली है. सो प्लॉटली इज एन ओपन सोर्स ग्राफिंग लाइब्रेरी इन पाइथन. अलग लैंग्वेजेस में भी है, रिएक्ट के लिए भी है, आर के लिए भी है, बट सबसे फेमस इट्स फॉर पाइथन. ठीक है. इनका एक और प्रोडक्ट है डैश बोल के और इसके ऊपर भी हम लोग काम करेंगे. बट फॉर नाउ प्लॉटली में बहुत कुछ है, लाइक देर आर सो मेनी चार्ट्स एंड विजुअलाइजेशंस कि हम लोग एक सेशन में उसको कंप्लीट नहीं कर सकते. तो आई वुड रिकमेंड कि एक बार आज के सेशन के बाद जा करके इस पेज को चेकआउट करो और कुछ बहुत इंटरेस्टिंग विजुअलाइजेशंस हैं यहाँ पे, जैसे 3D चार्ट्स एंड ऑल. प्लस तुम थोड़ा और नीचे जाओगे तो तुम इनमें विजिट्स भी ऐड कर सकते हो एंड यू कैन ऑल्सो हैव कस्टम कंट्रोल्स जहाँ पे तुम स्लाइडर्स ऐड कर सकते हो या कस्टम बटन्स ऐड कर सकते हो, ड्रॉप डाउन मेन्यूज ऐड कर सकते हो. तो एक बार जाके इसको चेक करना. यू कैन ऑल्सो ऐड एनिमेशंस लाइक दीज. तो इट्स अ वेरी पावरफुल लाइब्रेरी. ठीक है. बट आज का सेशन का ऑब्जेक्टिव है कि हम जो भी बेसिक्स हैं और कुछ बेसिक जो हमारे ग्राफ्स हैं जो हम बार बार यूज करते हैं वो हम लोग आज सीखने वाले हैं. ठीक है. सो सबसे पहला काम वुड बी टू इंस्टॉल प्लॉटली. सो बाय डिफॉल्ट प्लॉटली विल नॉट बी इंक्लूडेड इन योर जुपिटर नोटबुक. सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू इंस्टॉल इट फ्रॉम आउटसाइड. कैसे करेंगे इंस्टॉल करने का प्रोसेस देख लो. आई होप तुम लोग का लैपटॉप ओपन है. एक बार सर्च मेन्यू पे जाओ और टाइप करो एनाकोंडा. आई विल डू इट स्लोली सो दैट तुमको आइडिया लगे. या यू विल गेट दिस आइकन एनाकोंडा प्रॉम्प्ट. ठीक है. इस पे जैसे ही तुम क्लिक करोगे, जैसे मेरे केस में इट्स ऑलरेडी ओपन, तो व्हाट आई विल डू इज आई विल क्लोज इट एक बार के लिए. जस्ट वन सेकेंड गाइस. वन मोर थिंग, अगर तुमको ड्यूरिंग द सेशन प्रॉब्लम हो रहा है तो अपना माइक्रोफोन यूज करके यू कैन रेज योर कंसर्न. जस्ट वन सेकेंड. एनी वेज, मीन माइल, अगर तुम्हारा एनाकोंडा प्रॉम्प्ट ओपन हो गया है तो यू हैव टू गो टू दिस पर्टिकुलर यू आर एल. इस यू आर एल पे तुमको इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं हाउ टू इंस्टॉल प्लॉटली यूजिंग एनाकोंडा. सो तुमको करना कुछ नहीं है, अपने कमांड प्रॉम्प्ट या जो भी तुम्हारे स्क्रीन पे भी ओपन हुआ है विंडो, उस पे ये वाला कमांड टाइप करना है. सो मैं एक बार करके दिखाता हूँ. यू हैव टू गो टू एनाकोंडा, यू हैव टू ओपन इट एंड यू हैव टू कॉपी दिस कमांड, कंट्रोल सी, और यहां पे बस कंट्रोल वी कर देना है. सो यू विल राइट पेस्ट एंड यू हिट एंटर. ऑब्वियसली तुमको इंटरनेट लगेगा क्योंकि ये इंटरनेट से पैकेज डाउनलोड करके इंस्टॉल हो रहा है. सो इन माई केस इट्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, तो मुझे रिक्वायरमेंट सेटिस्फाइड बताएगा. तुम्हारे केस में डिपेंडिंग ऑन योर इंटरनेट स्पीड थोड़ी देर में डाउनलोड हो जाएगा. सो आई विल टेक 1 मिनट, तब तक इंस्टॉल कर लो. और किसी को अभी तक प्रॉब्लम है तो यू कैन पिंग मी ऑन व्हाट्सएप, मैं एक्टिव हूँ व्हाट्सएप पे अभी.
ओके, सो मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है. यू हैव टू ओपन एनाकोंडा प्रॉम्प्ट. यू हैव टू ओपन दिस विंडो एनाकोंडा प्रॉम्प्ट, और मैंने नोटबुक में एक यूआरएल इंक्लूड किया है इंस्टॉलिंग प्रॉटली सेक्शन में. यू हैव टू क्लिक ऑन दिस यूआरएल, ये पेज ओपन होगा. वहाँ पे यू विल फाइंड दीज टू कमांड्स. यू हैव टू जस्ट कॉपी द कमांड. यू हैव टू जस्ट कॉपी द कमांड फर्स्ट वाला, एंड यू हैव टू पेस्ट इट ओवर हेयर. एंड उसके बाद एंटर मारना और ऑटोमेटिकली तुम्हारा पैकेज इंस्टॉल होने लग जाएगा. जैसे अभी मेरे को पूछ रहा है येस और नो, मेरा पैकेज अपडेट हो जाएगा. सो आई विल राइट वाई, आई हिट एंटर, और अब ये बोल रहा है डाउनलोडिंग एंड एक्सट्रैक्टिंग पैकेजेस. सो प्लॉटली 4.1.1 डाउनलोड हो रहा है. प्रोबेबली मेरे पास जो था वो इससे नीचे वाला वर्जन था, एंड इट्स अराउंड 4 MB का इंस्टॉल. तो दैट्स द प्रोसेस, इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. कुछ नहीं करना है, एक बार एनाकोंडा प्रॉम्प्ट ओपन करो, देन वहाँ पे वो कमांड पेस्ट करो, एंटर मारो, और फिर तुमसे बस एक बार प्रोसीड करने के लिए येस और नो पूछेगा. वाई प्रेस करो, दैट्स इट. जिन लोगों का प्रॉब्लम नहीं हो रहा, मैं व्हाट्सएप पे हेल्प करता हूँ. जिनका हो गया एक बार व्हाट्सएप पे पिंग करो. ओके गाइस, सो आगे करते हैं. जिन लोगों का भी इशू आ रहा है, मैं सेशन के बाद मैं उनका इशू रिजॉल्व कर देता हूँ, ठीक है? मीनवाइल अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं, बिकॉज जिन लोगों का हो गया दे आर वेटिंग. ओके फाइन. सो नाउ फर्स्ट लेट्स हैव सम इंट्रोडक्शन अबाउट प्लॉटली. सो अभी तक हमने डेटा विजुलाइजेशन में तीन चार लाइब्रेरीज पढ़ी हैं, ठीक है? हमने मैट प्लॉटलिब पढ़ा, हमने सीबॉन पढ़ा, और हमने पैंडास में भी डॉट प्लॉट फंक्शन यूज़ करके प्लॉटिंग किया है, ठीक है? बट
all of these libraries produce static image files. If you remember, जो भी ग्राफ्स प्लॉट हो जाते थे उसके बाद उसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकता था, हम उससे इंटरैक्ट नहीं कर सकते थे, ठीक है? सो ऑल ऑफ देम वर स्टैटिक इमेज फाइल्स. प्लॉटली क्या करता है? प्लॉटली इज अ लाइब्रेरी जो आपको इंटरैक्टिव विजुअलाइजेशन देता है इन द फॉर्म ऑफ एच टी एम एल पेजेस. सो यू विल नोटिस कि जब हम अभी प्लॉट्स बनाएंगे और जब हम उनको चलाएंगे, वो एक एच टी एम एल पेज की तरह स्क्रीन पे आएगा और वहाँ पे इंटरैक्टिव फीचर्स होंगे. लाइक तुम जूम कर पाओगे और तुम सेलेक्ट कर पाओगे एंड देर विल बी मल्टीपल थिंग्स. यू विल बी एबल टू डाउनलोड इट एज एन इमेज. तो प्लॉटली गिव्स यू दिस इंटरैक्टिव वाला विजुअलाइजेशन, ठीक है? देर इज वन ड्रॉबैक ऑफ प्लॉटली कि ऑल दो इट्स अ वेरी गुड लाइब्रेरी डेटा विजुअलाइजेशन के लिए, बट लाइव डेटा सोर्स के साथ काम नहीं कर सकते तुम. तुमको स्टैटिक डेटा सोर्स प्रोवाइड करना पड़ेगा, लाइक एक्सेल फाइल या कुछ भी. मतलब जैसे जैसे अपडेट हो रहा है, तुम्हारा साथ में इनसिंक काम नहीं करता. तुम डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हो और उसके ऊपर से काम होता है. सो कल को नया डेटा अगर आ रहा है तो उसमें चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है? अगर तुमको ये ड्रॉबैक को ख़त्म करना है तो प्लॉटली का ही एक और प्रोडक्ट है डैश, जो हम लोग नेक्स्ट वीक पढ़ने वाले हैं. डैश को यूज़ करके यू कैन क्रिएट डेटा ड्रिवन डैशबोर्ड्स, और ये बहुत ही पावरफुल होते हैं और ये प्रॉपर वेब एप्लीकेशंस होते हैं. यहाँ पर यू कैन कनेक्ट इट टू अ लाइव डेटा सोर्स एंड यू विल सी कि वहाँ पे डेटा चेंज होगा, यहाँ पे तुम्हारा ग्राफ चेंज होगा, ठीक है? तो डैश को पढ़ने के लिए ऑब्वियसली हमको पहले प्लॉटली जानना पड़ेगा और प्लॉटली का सिंटेक्स समझना पड़ेगा, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट विथ द सेशन दैट वॉज इंट्रोडक्शन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वॉट यू हैव टू डू इज, ये पहला जो लाइन है इसको इम्पोर्ट कर लो, आई मीन रन कर लो. तुमको बेसिकली प्लॉटली से सिर्फ दो पैकेजेस चाहिए. फर्स्ट इज ऑफलाइन एंड सेकेंड इज ग्राफ ओ बी जे एस, ठीक है? और बाकी हमने नॉर्मल नंपायर पैंडास को इम्पोर्ट मारा है बिकॉज हम आईपीएल वाले डेटा सेट पर काम करने वाले हैं तो ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है? तो ये एक बार रन कर लो. आई विल जस्ट रन इट वंस. सेकेंड, प्लीज मेक श्योर कि ये फाइल जिस भी फोल्डर में है, जैसे मेरे केस में दिस फाइल इज ओवर हेयर सेशन ऑन प्लॉटली, वहां पे तुम्हारे पास तुम्हारा डिलीवरीज डॉट सी एस वी और तुम्हारा मैचेस डॉट सी एस वी, ये दो फाइल्स होनी चाहिए, ठीक है? तो मैंने इन दोनों को भी इम्पोर्ट मार लिया है और फिर मैंने एक और नया डेटा फ्रेम बनाया आईपीएल बोल के, जिसमें मैंने डिलीवरी और मैच को मर्ज कर दिया है ऑन टॉप ऑफ मैच आईडी, सो दैट मेरे पास एक बड़ा सिंगल डेटा फ्रेम आ जाए. और इस स्टेप को भी मैं रन कर रहा हूँ, तुम भी रन कर लेना. तो ये दो स्टेप्स करके रेडी रहना, ठीक है? उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा आज का जितना भी काम है. ओके, सो द फर्स्ट ग्राफ दैट वी आर गोइंग टू डू इज स्कैटर प्लॉट. सो आई गेस अब हमने इतना स्टैटिस्टिक्स और डेटा विजुलाइजेशन पढ़ लिया है कि यू नो वॉट आर स्कैटर प्लॉट्स. सो स्कैटर प्लॉट्स में क्या होता है कि तुम्हारा एक्स एक्सिस पे एक कंटिन्यूअस डेटा होता है एज इन न्यूमेरिकल डेटा, और वाई एक्सिस पे भी एक कंटिन्यूअस डेटा होता है, और तुम जहाँ पे भी दोनों मतलब दे इंटरसेक्ट, यू प्लॉट द पॉइंट. और ऐसा बहुत सारे प्लॉट पॉइंट्स को प्लॉट करने पे यू गेट दिस सॉर्ट ऑफ ग्राफ, और इसको हम बोलते हैं स्कैटर प्लॉट, ठीक है? तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले वी आर गोइंग टू मेक अ स्कैटर प्लॉट. और उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू ड्रॉ अ स्कैटर प्लॉट बिटवीन बैट्समैन एवरेज जो एक्स एक्सिस पे जाएगा एंड बैट्समैन स्ट्राइक रेट जो वाई एक्सिस पे जाएगा ऑफ द टॉप 20 बैट्समैन इन आईपीएल हिस्ट्री. मतलब ये सब हम लोग बहुत बार कर चुके हैं. सी, मैं बार बार आईपीएल वाला डेटा सेट इसलिए यूज करता हूँ बिकॉज तुम डेटा सेट को इन एंड आउट जान चुके हो, ठीक है? सो कोई भी नया लाइब्रेरी पे काम करते टाइम अगर डेटा सेट भी नया उठा लो तो दोनों जगह ध्यान रखना पड़ता है. दैट्स वाई मैं हमेशा आईपीएल वाला डेटा सेट पिक कर रहा हूँ, सो दैट तुमको डेटा सेट तो पूरा याद है, लाइब्रेरी के ऊपर पूरा फोकस करो, ठीक है? सो दिस इज द प्रॉब्लम दैट वी आर गोइंग टू सॉल्व. वी आर गोइंग टू प्लॉट अ स्कैटर प्लॉट जहां पे एक्स एक्सिस पे बैट्समैन का एवरेज होगा, वाई एक्सिस पे बैट्समैन का स्ट्राइक रेट होगा, और हम सिर्फ टॉप 50 बैट्समैन को ही लेंगे इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ रन स्कोर्ड, ठीक है? तो ये जो पहला वाला सेल है, यहां पे हमने क्या किया, सबसे पहले टॉप 50 निकाल लिया, ठीक है? मतलब आई नो तुम लोग ऑलरेडी कर चुके हो इसे बहुत बार. और हमने उससे एक नया डेटा फ्रेम क्रिएट कर लिया.
सो बेसिकली इस नए डेटा फ्रेम में मेरे पास सिर्फ वो रोज हैं जहां पे ये टॉप 50 बैट्समैन ही हैं, ठीक है। सो एक बार इस सेल को रन कर लो। सो अब क्या कर रहे हैं हम लोग, वी आर कैलकुलेटिंग स्ट्राइक रेट। सो इफ यू नो द फॉर्मूला ऑफ स्ट्राइक रेट, स्ट्राइक रेट का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बॉल्स प्लेड, और जो नंबर आएगा इन दोनों को डिवाइड करने से उसको तुम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हो, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, जो हमारा नया डेटा फ्रेम था न्यू आईपीएल जिसमें सिर्फ टॉप 50 बैट्समैन का डेटा था, उसमें से हमने सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ रन्स निकाल लिए, राइट। और सिमिलरली हमने उसी डेटा फ्रेम में से काउंट करके नंबर ऑफ बॉल्स निकाल लिया, और फिर हमने सेम स्ट्राइक रेट का फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। सो रन्स डिवाइडेड बाय बॉल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। और इतना करने के बाद अगर मैं रन करूँ एसआर को, तो मेरे को एक सीरीज मिल रहा है। मैंने सीरीज को रीसेट इंडेक्स किया जिससे वो कन्वर्ट हो गया इनटू अ डेटा फ्रेम, और उसी डेटा फ्रेम को मैंने वापस एसआर में स्टोर कर दिया। सो नाउ अगर तुम एसआर का बात करो तो एसआर इज अ डेटा फ्रेम जिसमें दो कॉलम्स हैं, द फर्स्ट कॉलम इज बैट्समैन, द सेकेंड कॉलम इज बैट्समैन रन्स। एक्चुअली बैट्समैन रन्स नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे स्ट्राइक रेट होना चाहिए था, बट इट्स ओके अभी चलेगा, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या करना है, सेकेंड काम करना है हम लोग को नीचे जा करके एवरेज कैलकुलेट करना है। सो एवरेज का फॉर्मूला ये होता है टोटल नंबर ऑफ रन्स मेड बाय द बैट्समैन डिवाइडेड बाय कितनी बार वो आउट हुआ है, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने पूरे के पूरे आईपीएल में से प्लेयर डिसमिस्ड वाले कॉलम में सिर्फ वही बैट्समैन को रखा जो लोग टॉप 50 में थे, और उसको मैंने आउट बोल दिया, ठीक है। तो मेरे पास बेसिकली एक नंबर आ गया। सो इफ आई कट दिस एंड इफ आई प्रिंट आउट आउट, ये देखो ये सिर्फ वही रोज हैं जहां पे बैट्समैन वो लोग हैं जो टॉप 50 में आते हैं, ठीक है। नाउ नंबर ऑफ आउट्स निकालने के लिए मैंने क्या किया, आउट के ऊपर वैल्यू काउंट्स लगा दिया, वो भी कौन से कॉलम के ऊपर, प्लेयर डिसमिस। सो इस पॉइंट पे अगर मैं एन आउट्स प्रिंट करूं, आई गेट दिस सीरीज। सो सुरेश रैना अभी तक आईपीएल में 134 टाइम्स आउट हुआ है, गौतम गंभीर अभी तक 131 टाइम्स आउट हुआ है, रोहित शर्मा 129 टाइम्स आउट हुआ है। सो अगेन गाइज ये सब लॉजिक हम लोग ऑलरेडी बहुत कर चुके हैं, तुम लोग को टाइम मिलेगा तो आराम से इसको बैठ के देख लेना। अब मेरे पास ऑलरेडी रन्स वाली चीज ऊपर मैंने कैलकुलेट की थी, यहां पे मैंने क्या किया, फिर रन्स को डिवाइड मार दिया एन आउट से, और उससे मेरे को एवरेज बोल के एक सीरीज मिला, और उसको जैसे ही मैंने रीनेम किया और इंडेक्स को बैट्समैन और जीरो का एवरेज, बेसिकली द आउटपुट इज दिस कि मेरे पास एक नया डेटा फ्रेम आ गया जिसमें मैंने इवेंचुअली ऊपर जो स्ट्राइक रेट वाला था डेटा फ्रेम दिस वन, और ये जो बाद में मेरा बना एवरेज वाला, इन दोनों को मर्ज कर दिया, और अब मेरे पास जो रिजल्टेंट डेटा फ्रेम है इट्स लाइक दिस। सो मेरे पास पहला कॉलम है बैट्समैन, और ये ऑब्वियसली टॉप 50 बैट्समैन ही है, मतलब 50 के आगे कोई बैट्समैन नहीं है। और उसके बाद मैंने एवरेज कैलकुलेट किया, और उसके बाद ये बैट्समैन रन्स के बदले यहाँ पे होना चाहिए था स्ट्राइक रेट, बट इट्स ओके हम लोग आगे उसको हैंडल कर लेंगे, ठीक है। सो अब मेरे पास डेटा उस फॉर्मेट में है जिसको मैं यूज करूंगा, ठीक है। सो अब यूजिंग दिस डेटा फ्रेम यू आर गोइंग टू प्लॉट अ स्कैटर प्लॉट इन प्लॉटली, ठीक है। सो अब नेक्स्ट वाले सेल में आओ जहां पे ये लिखा हुआ है प्लॉट स्कैटर प्लॉट हियर, यहां पे हम लोग अपना मेन काम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी जो कोड मैं लिख रहा हूँ अभी मत लिखना, एक बार मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। सो देखो सबसे पहले क्या करना पड़ता है तुमको, तुमको लिखना पड़ता है PYO.plot। सो इफ यू रिमेंबर हमने ऊपर इंपोर्ट मारा था प्लॉटली ऑफलाइन बोल के, इफ यू कैन सी दिस वन, हम इस लाइब्रेरी को यूज कर रहे हैं PYO को, और PYO में एक फंक्शन होता है जिसका नाम होता है प्लॉट, और प्लॉट को प्लॉट करने के लिए एक चीज चाहिए होता है जिसको आप बोलते हो फिगर। और फिगर कैसे मिलता है आपको, फिगर मिलता है बाय राइटिंग फिगर इज इक्वल टू गो, गो हमारा दूसरा लाइब्रेरी है जो हमने ऊपर इंपोर्ट मारा था। सो गो वॉज दिस एज इन प्लॉटली ऑफलाइन प्लॉटली ग्राफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, इसका नाम गो है। सो हम क्या करते हैं, सिंस हमको PYO डॉट प्लॉट को फिगर देना है, फिगर आता है इस सिंटेक्स से, यू राइट गो डॉट फिगर बोल के एक फंक्शन होता है, और इसको दो चीजें चाहिए होती है, पहला डेटा और दूसरा लेआउट, ठीक है। और यही दो चीजें तुमको बनानी पड़ती हैं। सो डेटा तुम कैसे बनाते हो, डेटा इज अ लिस्ट, और लिस्ट के अंदर यू कैन ऐड मल्टीपल आइटम्स,
सो द फर्स्ट थिंग इज ट्रेस। जब भी तुम कोई एक ग्राफ प्लॉट करते हो प्लॉटली में, उसको तुम ट्रेस बोलते हो। और कभी कभी तुमने देखा होगा कि तुम ऐसे ग्राफ्स प्लॉट कर रहे हो जिसमें तुमको दो चीज़ें दिखानी है, जैसे दो बैट्समैन का डेटा एक साथ दिखाना है। तो इन दैट केस देर विल बी टू ट्रेसेस, वन फॉर फर्स्ट बैट्समैन, सेकेंड फॉर सेकेंड बैट्समैन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम अपना पहला ट्रेस क्रिएट करेंगे। एंड दैट ट्रेस वुड बी लाइक दिस, यू विल राइट गो डॉट स्कैटर, एक फंक्शन है। यहाँ पे तुम दो चीज़ें पास करते हो, पहला अपना एक्स, तुम बताओगे कि तुम्हारे डेटा फ्रेम का कौन सा कॉलम तुम्हारा एक्स बनने वाला है। सो इन दिस केस एवीजी वाला कॉलम हमारा एक्स बनने वाला है। सो इफ यू रिमेम्बर, हमारे डेटा फ्रेम का नाम है एवीजी। हमने क्या लिखा, हमने लिखा हमारा एक्स विल बी एवीजी डेटा फ्रेम का कौन सा कॉलम, अगेन एवीजी। सिमिलरली वाई क्या रहने वाला है, वाई हमारा रहेगा ये वाला कॉलम, दिस वन, बैट्समैन रन्स। सो व्हाट वी विल डू इज वाई इज इक्वल टू एवीजी स्क्वायर ब्रैकेट बैट्समैन रन्स। ठीक है, थर्ड मुझे यहां पर एक चीज और पास करनी पड़ती है जिसको बोलते हैं मोड, और मोड में यू विल पास मार्कर्स। आई विल शो मार्कर्स क्या होता है, बट फिलहाल इतना लिख लो। ठीक है, सो हमने ट्रेस क्रिएट किया और इस ट्रेस को ही हम क्या करेंगे, डेटा के अंदर पास कर देंगे। सो कल को अगर मैं कोई और ग्राफ बना रहा होता तो उसका नाम हो जाता ट्रेस वन या ट्रेस टू, और उसको मैं यहाँ पे कॉमा डाल करके ऐसे पास कर देता। ठीक है, बट फिलहाल मेरे पास सिर्फ एक ही ट्रेस है, तो मैंने डेटा के अंदर सिर्फ एक ही चीज पास किया, दैट इज ट्रेस। ठीक है, तो अब सेम ये डेटा मैं यहाँ पे पास करूंगा फिगर के अंदर, और फिगर में पास करूंगा प्लॉट के अंदर। सो थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है पहले टाइम सिंटेक्स, बट ट्रस्ट मी आज के सेशन में हम 5-6 बार ये करेंगे और तुमको एकदम सिंपल लगने लगेगा। ठीक है, सो सेकेंड थिंग इज लेआउट। सो लेआउट विल बी इक्वल टू अगेन गो योर प्लॉटली डॉट ग्राफ ऑब्जेक्ट्स, और इस बार एक फंक्शन को तुम कॉल करते हो जिसका नाम है लेआउट। लेआउट में तुम बेसिकली बाकी चीजें बताते हो, तुम्हारे ग्राफ का टाइटल क्या रहेगा, तुम्हारे एक्स एक्सिस का टाइटल क्या रहेगा, तुम्हारे वाई एक्सिस का टाइटल क्या रहेगा, तुम्हारे ग्राफ का बैकग्राउंड कैसा रहेगा। बेसिकली तुम लेआउट डिसाइड करते हो। ठीक है, तो हम ज्यादा चीजें टच नहीं कर रहे अभी, सबसे पहले हम टच कर रहे हैं टाइटल। टाइटल का वैल्यू हो जाएगा बैट्समैन एवरेज वर्सेस स्ट्राइक रेट। ठीक है, नेक्स्ट इफ यू वॉन्ट कि तुम अपने एक्स एक्सिस को भी कुछ टाइटल प्रोवाइड करो, तो यू कैन डू इट यूजिंग दिस सेंटेक्स। यू राइट ए, आई एम सॉरी, यू विल राइट एक्स एक्सिस इज इक्वल टू, यहां पे यू पास अ डिक्शनरी, और डिक्शनरी के अंदर यूजिंग की वैल्यू पेयर्स यू पास टाइटल, और टाइटल में हमारा रहेगा बैट्समैन एवरेज, फिर हम बाहर निकलेंगे कॉमा लगाएंगे और फिर हम ऐसे ही ऐड करेंगे वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस में भी हम लगाएंगे टाइटल कोलोन, यहां पे तुम लिखोगे बैट्समैन स्ट्राइक रेट। ये हो गया मेरा लेआउट, और बस इतना करने के बाद मैं नीचे आऊंगा और मैं डेटा को वैल्यू दे दूंगा डेटा, बिकॉज मैंने ऊपर क्रिएट किया है, और लेआउट को भी मैं वैल्यू दे दूंगा लेआउट, एंड दैट्स इट, दिस इज द कोड। ठीक है, सो सबसे पहले मैंने एक ट्रेस बोल के एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसको मैंने इस डेटा लिस्ट में पास कर दिया। लिस्ट क्यों बनाना पड़ा, क्योंकि हो सकता है फ्यूचर में हम लोग को मल्टीपल ग्राफ्स एक ही पर्टिकुलर विजुअलाइजेशन में शो करने हो। ठीक है, हम लोग आगे करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने अपना लेआउट क्रिएट किया यूजिंग दिस लेआउट ऑब्जेक्ट, और इसमें हमने तीन चीजें पास की, पहला हमारे ग्राफ का टाइटल, सेकेंड हमारे एक्स एक्सिस का इंफॉर्मेशन, थर्ड हमारे वाई एक्सिस का इंफॉर्मेशन। फिर हमने एक फिगर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, फिगर ऑब्जेक्ट को दो चीजें चाहिए थी, डेटा और लेआउट, और वो दोनों हमने क्रिएट कर लिया था इसलिए हमने पास कर दिया। एंड लास्ट में हमने पी वाई डॉट प्लॉट कॉल किया और हमने वहां पे अपना फिगर पास कर दिया, एंड दैट्स द कोड। ठीक है, इतना ही कोड करना है। इतना करने के बाद तुमको क्या करना है, बस शिफ्ट एंटर प्रेस करो, एंड इट माइट टेक सम टाइम, और थोड़े टाइम के बाद यू विल नोटिस कि ऑटोमेटिकली एक नया विंडो ओपन हो जाएगा तुम्हारे स्क्रीन पे जो कुछ ऐसा दिखाई देगा। सो यू कैन सी हमारा ग्राफ का नाम है बैट्समैन एवरेज वर्सेस स्ट्राइक रेट, बैट्समैन स्ट्राइक रेट हमारा वाई एक्सिस पे है, बैट्समैन एवरेज हमारा एक्स एक्सिस पे है, और ये रहा मेरा स्कैटर प्लॉट टॉप 50 बैट्समैन के लिए। ठीक है, सो अगर तुम होवर कर रहे हो तो यू कैन सी हमारे पास दोनों वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है, और यू कैन सी ये इंटरैक्टिव है, राइट, मतलब और तुम यहाँ पे और भी बहुत चीज़ें कर सकते हो। जैसे अगर तुमको इस पर्टिकुलर सेक्शन के ऊपर फोकस करना है, तुम बस ऐसे करके ड्रैग करोगे और तुम उस पर्टिकुलर सेक्शन में आ जाओगे।
ठीक है, डबल क्लिक करोगे वापस चले जाओगे। लेट्स से मुझे इन दोनों पॉइंट्स पे फोकस करना है, आई विल क्रिएट अ स्मॉल विंडो बाय ड्रैगिंग द माउस, छोड़ूंगा और ये देखो ये रहे वो दो पॉइंट्स, ठीक है, डबल क्लिक किया वापस चले गया। तो जेस्टर्स बहुत सारे अवेलेबल हैं, ठीक है। यू कैन ऑल्सो हैव गाइज, जिनको भी प्रॉब्लम हो रहा है मैं वापस कोड में जाऊंगा, डोंट वरी, मैं बस आपको अभी आउटपुट दिखा रहा हूँ। एक बार आउटपुट देख लो, ठीक है। यहाँ पे तुमको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, ठीक है। इन ऑप्शंस को यूटिलाइज करके यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, लाइक यू कैन डू जूम इन, ये देख रहे हो जूम इन हो रहा है। यू कैन ऑल्सो डू जूम आउट, राइट। यू कैन ऑल्सो डू पैन, सो तुम ऐसे करके शिफ्ट कर सकते हो पूरे ग्राफ को, एंड यू विल सी कि तुम्हारा एक्स और वाई एक्सिस का वैल्यूज भी अकॉर्डिंगली चेंज हो रहा है, ठीक है। ये वन फीचर इज देयर। देन यू कैन हैव दिस टॉगल स्पाइक लाइन, जो तुमको ये हेल्प करता है एक्स और वाई रीड करने में, ठीक है। हो सकता है कभी कभी बीच का डेटा समझ में नहीं आ रहा, इन दैट केस यू विल जस्ट फोकस ओवर द पॉइंट एंड यू विल गेट द रीडिंग्स ऑफ वाई एंड एक्स एक्सिस, ठीक है। और ये जो आइकन है इस पर क्लिक करने से यू कैन डाउनलोड द ग्राफ एज अ पीएनजी इमेज, ठीक है। एक बार मैं दोबारा स्क्रीन पे कोड दिखा रहा हूँ, जिनका भी नहीं हो पाया एक बार ध्यान से टाइम लो और इसको कंप्लीट करने का ट्राई करो। मैंने सारा कोड बाकी लिखा हुआ है, तुमको बस ये वैल्यू सही से पुट करनी है, ठीक है। 1 मिनट लो और इसको कंप्लीट करो। किसी का ये वाला ग्राफ स्क्रीन पे आया तो एक बार बताना व्हाट्सएप पे, क्योंकि कोई आइडिया नहीं लगता ऐसे ऑनलाइन पढ़ाने पे कि चल क्या रहा है। किसी का हुआ तो एक बार बताओ। ओके, चौंद्रिमा इज आस्किंग कि मार्कर्स का काम क्या है। थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। बेसिकली इन डॉट्स को हम मार्कर बोल रहे हैं, इन इन डॉट्स को हम मार्कर बोल रहे हैं, ठीक है। मैं अभी समझाऊंगा और क्या ऑप्शंस होते हैं, बट फिलहाल के लिए बस समझ लो कि दीज डॉट्स आर नोन एज मार्कर्स, ठीक है। एक चीज़ और, आई गेस जिनको भी लिखना था लिख लिया। अब एक तो हम लोग इसमें चेंजेस करके देखते हैं सो दैट तुमको प्लॉटली का पावर समझ में आए। जैसे इस पॉइंट पे मैं होवर कर रहा हूँ तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि ये बैट्समैन कौन सा है, लाइक ये कौन सा बैट्समैन है। मुझे ये पता है कि इसका एवरेज इज 28, इसका स्ट्राइक रेट इज 140, बट आई डोंट नो ये बैट्समैन कौन सा है, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन गो देयर एंड यू कैन एड वन मोर एट्रीब्यूट और वन मोर इनपुट टू दैट स्कैटर फंक्शन बाय द नेम ऑफ टेक्स्ट। और टेक्स्ट में हम क्या प्रोवाइड कर देंगे, AVG हमारा डेटा फ्रेम का नाम, और ये देखो कौन से कॉलम में हमारा बैट्समैन का इंफॉर्मेशन आ रहा है, बैट्समैन। तो व्हाट वी विल डू इज वी विल राइट AVG स्क्वायर ब्रैकेट बैट्समैन, ठीक है। हमने एक नया इनपुट दिया यहाँ पे, ओके। नाउ इफ आई रन दिस कोड अगेन, ये देखो एक नया विंडो ओपन हुआ और ये देखो अब हमारे बैट्समैन का भी नाम आ रहा है। सी, अगर तुम्हें पता करना ये कौन सा बैट्समैन है, सो दिस इज AB डिविलियर्स, 38 का एवरेज, 145 का स्ट्राइक रेट। बीच में कहीं पे गए राहुल द्रविड़, 28 का एवरेज, 113 का स्ट्राइक रेट। तुम थोड़ा सा इसको बड़ा कर सकते हो, तो ये रहे अपना मुरली विजय, KC संगकारा। एक बार ये ट्राई करके देखो, दिस वॉज द कोड जो मैंने ऐड किया, इतना कोड मैंने स्क्रीन पे ऐड किया, ये ऐड करके देखो एक बार।
Okay, so next, what we can do is we can slightly customize the appearance of this plot. ठीक है, जैसे अभी बाय डिफॉल्ट ब्लू पॉइंट्स आ रहे हैं. व्हाट इफ मुझे पॉइंट्स का कलर चेंज करना है, तो क्या कर सकते हैं हम अगेन यहाँ पर एक नया इनपुट पास करेंगे बाय द नेम ऑफ मार्कर, एंड मार्कर को हम एक डिक्शनरी प्रोवाइड करेंगे, और डिक्शनरी के अंदर एक की होगा कलर, और उसका वैल्यू यू कैन प्रोवाइड विथ एनी हेक्साडेसिमल कोड. जैसे ये एक हेक्साडेसिमल कोड है, 00A65A. ठीक है, सो मैंने क्या बोला कि मेरा मोड होगा मार्कर, और मार्कर का कलर होगा, बाय द वे दिस इज ग्रीन. सो अगेन आई विल शिफ्ट एंटर, एंड नाउ यू कैन सी द कलर इज ग्रीन. तो अगर तुमको हेक्स कोड पता है तो बस यहाँ पे हेक्स कोड डाल दो और तुम्हारा कलर चेंज हो जाएगा ग्राफ का. ये वाला मैंने कोड ऐड किया अभी, एक बार इसको चला के देख लो. ओके, नेक्स्ट थिंग, यू कैन ऑल्सो इंक्रीज और डिक्रीज द साइज ऑफ दीज डॉट्स इफ यू वॉन्ट टू बाय एडिंग अ सिंपल की वैल्यू पेयर साइज. साइज में अगर तुमने 16 दे दिया, आई गेस बाय डिफॉल्ट 10 होता है, अगर मैंने 16 दे दिया और फिर से रन किया तो या यू कैन सी हमारे जो डॉट्स हैं, पॉइंट्स हैं, उनका साइज थोड़ा बड़ा हो गया. ठीक है, और बाकी का बिहेवियर विल बी एग्जैक्टली सेम. ठीक है, तो एक बार ये वाला कोड भी चला के देख सकते हो. ये कोड ऐड किया मैंने, बेसिकली मैंने मार्कर्स वाले में डिक्शनरी में कुछ कुछ की वैल्यू पेयर्स ऐड कर रहा हूँ. ओके, सो दैट वॉज स्कैटर प्लॉट. आई होप थोड़ा सा प्लॉट करना आया होगा. ठीक है, यहाँ पे एक दो चीज़ें और तुम चेंज कर सकते हो. जैसे प्लॉट में तुम नोटिस करोगे कि बार बार यही HTML फाइल जनरेट हो रहा है. अगर तुम नोटिस करोगे, दिस इज़ द HTML फाइल दैट इज़ बीइंग जनरेटेड, और ये तुम्हारा सेम फोल्डर के अंदर जनरेट हो रहा है. ठीक है, सो अगर तुमको कुछ और नाम से चाहिए है तो तुम्हारे पास एक ऑल्टरनेटिव होता है. यू कैन राइट फाइल नेम इक्वल्स आई डोंट नो माई फाइल डॉट HTML. अगर तुम एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाई कर दो तो वो तुमको जो नाम चाहिए उस नाम का HTML जनरेट करेगा. सी, अब उसने जो HTML फाइल जनरेट किया दैट इज माई फाइल डॉट HTML, और यहाँ पे भी सेम आउटपुट आ रहा है. ठीक है, सो दैट वॉज स्कैटर प्लॉट्स. आई होप रफली समझ में आया. दिस वॉज द मेन कोड. 1 मिनट के बाद लाइन चार्ट स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है, चलो. सो एक तो ऐसे आज बहुत कम लोग हैं, मोस्ट लाइकली सेशन दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ेगा, बट ठीक है चलो. जो भी लोग कर रहे हैं वो लोग करते रहो. सेकंड वी आर गोइंग टू डू लाइन चार्ट्स.
सो लाइन चार्ट अगर तुमने कभी प्लॉट किया होगा तो कुछ ऐसा दिखता है, और अगर ध्यान से नोटिस करोगे तो लाइन चार्ट इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ स्कैटर प्लॉट, डोंट यू थिंक? तुम बेसिकली प्लॉट्स एज इन पॉइंट्स को प्लॉट करते हो ग्राफ पे और फिर उनको लाइन से कनेक्ट कर देते हो, यही तो लाइन चार्ट होता है, ठीक है? जनरली कब यूज करते हैं हम लोग, जनरली हम कब यूज करते हैं कि तुम्हारे पास कोई टाइम सीरीज डेटा हो, एज इन टाइम के साथ डेटा को तुमको देखना है, राइट? डेट के हिसाब से, मंथ के हिसाब से, ईयर के हिसाब से, आवर्स के हिसाब से, जब भी तुमको इस तरह का डेटा विजुलाइज करना है, लाइन चार्ट इज वेरी गुड, ठीक है? तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक दूसरा प्रॉब्लम उठाएंगे और हम उसको सॉल्व करेंगे यूजिंग लाइन चार्ट. सो व्हाट वी विल डू इज कि हम लोग एक पर्टिकुलर बैट्समैन को पकड़ेंगे आईपीएल वाले डेटा सेट में से, और हम उसका ईयर बाय ईयर परफॉर्मेंस निकालेंगे. एज इन अगर हमने पकड़ा विराट कोहली को, तो वी विल चेक कि उसने सीजन बाय सीजन कितने रन्स मारे. बेसिकली आईपीएल 2018 में उसने कितने रन्स मारे, 2016 में कितने रन्स मारे, 2015 में कितने रन्स मारे, और हम एक्स एक्सिस पे सीजन को डाल देंगे और वाई एक्सिस पे उसके रन्स को डाल देंगे, और हम एक लाइन चार्ट को प्लॉट करेंगे, ठीक है? सो कोड अगेन तुम्हारे स्क्रीन पे है. हमने क्या किया, सबसे पहले आईपीएल वाले डेटा सेट में से सिर्फ वो रोज को एक्सट्रैक्ट किया जिसमें बैट्समैन कौन है, विराट कोहली, और उसको एक डेटा फ्रेम में डाल दिया, ठीक है? अब हमने क्या किया, ग्रुप बाय मारा सीजन के ऊपर और बैट्समैन रन्स के ऊपर सम लगा के रीसेट इंडेक्स कर दिया, और अब मैंने जैसी परफॉर्मेंस चलाया, ये रहा मेरा डेटा फ्रेम जहां पे एक कॉलम है सीजन और दूसरा कॉलम है उस पर्टिकुलर सीजन में उस बैट्समैन ने टोटल कितने रन्स मारे, ठीक है? अगेन यहाँ पे टोटल रन्स होना चाहिए था, बट यहाँ पे बैट्समैन रन्स है, तुम लोग रीनेम कर सकते हो, बट दिस इज द डेटा फ्रेम दैट वी आर गोइंग टू यूज, ठीक है? और ये जो नीचे वाला सेल है, यहाँ पे हम लोग अपना लाइन चार्ट को प्लॉट करेंगे, ठीक है? अगेन हम लोग सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे. द फर्स्ट थिंग वुड बी यूजिंग PYO प्लॉट फंक्शन, तुम एक फिगर पास करोगे और वो फिगर ही तुम प्लॉट करोगे, ठीक है? सेकेंड थिंग व्हाट विल डू इज कि तुम यहाँ पे लिखोगे फिगर इक्वल्स गो डॉट लेआउट, आई एम सॉरी फिगर, और यहाँ पे तुम दो चीज़ें पास करोगे, डेटा इक्वल्स डेटा, अभी हमने क्रिएट नहीं किया है, सेकेंड लेआउट में यू विल पास लेआउट इक्वल्स लेआउट, अगेन हमने अभी क्रिएट नहीं किया. अब हम लोग सबसे पहले एक बार एक ट्रेस क्रिएट कर रहे हैं, और ट्रेस वुड बी इक्वल टू गो डॉट, लाइन चार्ट को भी क्रिएट करने के लिए तुमको स्कैटर ही लगेगा, ठीक है? बिकॉज लाइन चार्ट इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ स्कैटर प्लॉट, ठीक है? यहां पर भी अपना एक्स हो जाएगा, एज यू कैन सी सीजन, हमारे डेटा फ्रेम का नाम है परफॉर्मेंस, आई विल कॉपी दिस, यहां पे आई विल राइट कंट्रोल वी, और यहां पे अपना हो गया सीजन, अपना वाई हो जाएगा परफॉर्मेंस, और उस कॉलम का नाम है बैट्समैन रन्स. थर्ड थिंग, डू यू रिमेंबर, हमने मोड वहां पे ऊपर मार्कर्स दिया था, यहां पे तुम मार्कर्स नहीं दोगे, यहां पे तुम लाइंस दोगे, ठीक है? यही डिफरेंस है, ऊपर हमने इसीलिए वहां पे मार्कर्स दिया था बिकॉज हमको डॉट्स चाहिए थे, यहां पे हम लाइंस देंगे बिकॉज हमको लाइंस चाहिए, ठीक है? यहां पे भी इफ यू वॉन्ट यू कैन एड मार्कर्स बाय प्रोवाइडिंग अ डिक्शनरी, यू कैन डू अ कलर, कलर तुमको लेट्स से ग्रीन ही चाहिए इस बार भी, तो अगेन यू कैन राइट दिस कलर कोड. ये हो गया मेरा ट्रेस, अब मैं इससे डेटा क्रिएट करूंगा, डेटा इज जस्ट लिस्ट जिसमें सिर्फ एक आइटम होगा फिलहाल, दैट इज ट्रेस, एंड देन आई विल क्रिएट वन मोर वेरिएबल बाय द नेम ऑफ लेआउट विच वुड बी गो डॉट लेआउट, और यहाँ पे मैं फिर से अपना टाइटल पास करूंगा, टाइटल वुड बी इक्वल टू ईयर बाय ईयर परफॉर्मेंस, ठीक है? उसके बाद अपना एक्स एक्सिस पे आ जाएगा एक डिक्शनरी जिसमें टाइटल होगा सीजन, और अपना वाई एक्सिस में होगा टाइटल टोटल रन्स, एंड दैट्स द कोड गाइस. बिल्कुल सेम था, इफ यू नोटिस हमने सिर्फ एक चीज चेंज किया, मोड लाइंस कर दिया, बाकी सब कुछ एज इट इज सेम था, ठीक है? तो मैं एक बार रन करके तुमको दिखा दे रहा हूँ आउटपुट, फिर आई विल गिव यू द टाइम टू राइट द कोड, ठीक है? शिफ्ट एंटर, और ये मेरा नया पेज खुला, और ये रहा मेरा लाइन चार्ट,
ठीक है. सो यू कैन सी विराट कोहली का परफॉर्मेंस सीजन बाय सीजन, और ये रहे उसके टोटल रन्स. सो जब भी तुम होवर करोगे किसी पॉइंट पे, वो तुमको बता देगा कि किस सीजन में कितने रन्स उसने मारे. ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड अ लाइन चार्ट. एक बार स्क्रीन पे कोड है, टेक योर टाइम और एक बार इसको कंप्लीट करने का ट्राई करो. इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट. जो लोग अभी तक कर रहे होंगे उनसे हो जाएगा. ओके. नाउ व्हाट यू कैन डू इज यू कैन ऑल्सो एड वन मोर मोड. एक और मोड अवेलेबल है यहाँ पे, लाइन्स प्लस मार्कर्स बोल के. इससे क्या होगा देखना एक बार. शिफ्ट एंटर मारा, ये देखो इस बार तुमको लाइन भी मिला और तुमको ये डॉट भी मिला. ठीक है. अब तुम चाहो तो फिर से उस साइज वाला एट्रीब्यूट लगा के इन डॉट्स का साइज बढ़ा सकते हो, बट फिलहाल मैं नहीं कर रहा हूँ. ठीक है. तो आई होप लाइन चार्ट समझ में आया. अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं. ठीक है. सो अभी तक तुमको अगर इस चीज़ का डाउट हो रहा है कि मैं ये वाला सिंटेक्स क्यों फॉलो कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली क्यों नहीं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, तो उसका रीज़न ये है. एक काम करते हैं, मैं ये पूरा का पूरा कोड दोबारा से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ. ठीक है. और मैं वेरिएबल्स का नाम चेंज कर रहा हूँ. इसका नाम सिंगल वन, इसका नाम परफॉर्मेंस वन, इसका नाम परफॉर्मेंस वन. और यहाँ पे मैं विराट कोहली के बदले लिख रहा हूँ MS धोनी. ठीक है. और अब क्या होगा, बेसिकली मेरे पास दो डिफरेंट डेटा फ्रेम्स है, परफॉर्मेंस और परफॉर्मेंस वन. मैंने शिफ्ट एंटर मारा और ये परफॉर्मेंस, एनीवेज जो भी है. ठीक है. अब क्या करेंगे हम लोग, हम ये ट्रेस वाली पूरी चीज को कॉपी करेंगे और यहां पे हम ट्रेस वन बनाएंगे. ऊपर वाला विराट कोहली के लिए, ये MS धोनी के लिए. ठीक है. सभी जगह पे परफॉर्मेंस वन आ जाएगा बिकॉज डेटा फ्रेम ही डिफरेंट है. और यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेटा में वी विल पास ट्रेस वन. ठीक है. सो आई गेस अब पॉइंट समझ में आ रहा होगा. अभी तुम्हारे पास एक और बैट्समैन होता तो उसको ट्रेस थ्री में डाल करके यहाँ पे डाल देते हैं. ठीक है. अभी मैं शिफ्ट एंटर करूंगा, तुमको स्क्रीन पे दो लाइन चार्ट्स दिखाई देंगे जो ऐसे दिखाई देंगे. एक्चुअली दोनों का सेम ही हो गया. कुछ एक इशू है, हमने क्या गलती किया, हमने लिखा IPL विराट कोहली परफॉर्मेंस इक्वल सिंगल ग्रुप बाय. एक बार स्क्रीन पे देखना और हेल्प करना अगर कुछ दिखाई दे तो. सिंगल वन IPL, IPL बैट्समैन. सर सिंगल वन डॉट ग्रुप बाय. ओह सॉरी, थैंक्स विशाल. विशाल ही हो ना? हाँ सर. हाँ, थैंक्स. सो ऑब्वियसली यहाँ पे सिंगल वन होना चाहिए था. ठीक है. हमने सिंगल ही पकड़ के रखा था. अब शिफ्ट एंटर मारेंगे तो ये महेंद्र सिंह धोनी का आ जाएगा. और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बस बाकी सब कुछ आई गेस ठीक है. कलर चेंज कर देते हैं, कलर इनफैक्ट हटा ही देते हैं सेकेंड वाले से, तो अपने आप वो ब्लू आ जाएगा. और बाकी आई होप सही है. शिफ्ट एंटर मारा और ये रहा. सी ये रहा तुम्हारे स्क्रीन पे दो अलग अलग बैट्समैन का कंपैरेटिव लाइन चार्ट्स. ग्रीन वाला इज विराट कोहली, रेड वाला इज MS धोनी. यहाँ पे तुमको पता चलना चाहिए था, बट यहाँ पे ट्रेस जीरो ट्रेस वन आ रहा है. तो हम क्या करेंगे, एक बार वापस जाएंगे और एक एट्रीब्यूट और होता है, वो हमने देखा नहीं अभी तक, नेम बोल के. सो नेम में तुम यहाँ पे डाल दोगे विराट कोहली और यहाँ पे डाल दोगे नेम इक्वल्स MS धोनी. ठीक है. सो नेम से क्या होगा, बेसिकली एक काइंड ऑफ लेजेंड क्रिएट हो जाएगा और वो ऐसा दिखेगा. सी रेड वाला इज MS धोनी एंड दिस वन इज विराट कोहली. सो यू कैन सी कि अपार्ट फ्रॉम द फर्स्ट सीजन एंड प्रोबेबली द सेकेंड सीजन, ऑलमोस्ट इन एवरी सीजन विराट कोहली मेड मोर रन्स देन MS धोनी. ठीक है. सो कंपैरेटिव स्टडी करने के काम आता है. सो आई होप अभी तुमको ये वाला सिंटेक्स समझ में आया होगा. एक बार
ये चला के देख लो, इतना कोड लिखा हमने, ठीक है। सो दो प्लॉट्स हमने अभी तक किए, और एक बार इसको करके बताओ कितने लोगों का अभी तक काम कर रहा है। ओके, चंद्रिमा का काम कर रहा है, विशाल तुम्हारा काम कर रहा है, दीपम, सर अभी लिख रहे हैं कोड। ठीक है, दीपम, दीपम नहीं है, शांतनु, ओके शांतनु क्या हुआ तुम्हारा, प्रॉब्लम क्या हो रहा है, बोल सकते हो, मतलब वी कैन टॉक, ओके, कोडिंग इश्यूज, ठीक है, करो करो करो। और कौन है, भावना, भावना है, ओके, नहीं, अंजलि, ओके फाइन, एक मिनट शांतनु तुम लिख लो पहले जल्दी से, अंजलि मैं एक बार कर रहा हूँ वो वाला चीज़, जस्ट वेट। एक काम और करो यार, जितने लोग अभी देख रहे हो वीडियो एक बार मेरे को पिंग करो, सो दैट मेरे को आइडिया लगे कितने लोग हो अवेलेबल, जस्ट एक बार बस प्रेजेंट या कुछ भी लिख के एक बार मैसेज करो। या शांतनु इज देयर, चौंद्रिमा इज देयर, शिखा इज देयर, दीपम इज देयर, पूर्विता इज देयर, अंजलि इज देयर, ओके ठीक है, सो 5-6 लोग हैं, विशाल इज देयर। हाँ अंजलि तुम बोलो एक बार क्या प्रॉब्लम है तुमको, बोल सकते हो माइक पे बोलो। हाँ तो स्क्रीन पे तो वही है, मल्टीपल वाला ही तो है, दिस इज द कोड, और ऊपर मैंने ये ऐड किया है, गाइस 2 मिनट में नेक्स्ट वाले पे जाएंगे, सो इवन इफ नहीं भी हो पा रहा है इट्स ओके, नोटबुक तुम्हारे पास ही है और वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, सो डोंट वरी, हो जाएगा। शांतनु तुम्हारा कलर कोड में जो हेक्स कोड है ना उसमें तुमने 7 कैरेक्टर्स डाले हैं, हेक्स कोड हमेशा 6 कैरेक्टर्स का होता है, तुमने यहाँ पे 7 कैरेक्टर्स डाल दिए हैं, एक बार चेक कर लो उसको, इसीलिए एरर आ रहा है। ठीक है गाइस, बाकी लोग देखो नेक्स्ट पे मूव कर रहे हैं। उसके जस्ट नीचे वाले अगर तुम सेल पे जाओ तो मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया है बैट्समैन कंपैरेटर बोल के, जिसको तुम एक टपल पास कर सकते हो, एज इन इस फंक्शन को तुम कितने भी बैट्समैन का नाम दोगे ये क्या करेगा, एक लूप चलाएगा और ट्रेस 1 ट्रेस 2 ट्रेस 3 करके डेटा में अपेंड करता चला जाएगा, और फिर लेआउट प्रिंट करके तुम्हारा ग्राफ प्लॉट कर देगा। मतलब कि ये एक ऐसा फंक्शन है जिसको तुम कितने भी बैट्समैन का नाम दे दो वो सबका ग्राफ प्लॉट कर देगा, ठीक है। तो अभी मैं ये फंक्शन एक्सप्लेन नहीं कर रहा, बहुत बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बेसिकली ऊपर वाले कोड को मैंने लूप के अंदर डाल दिया, मतलब तुम ऑलरेडी कर चुके हो
तो थोड़ा टाइम इसको दे देना बाद में, बट फिलहाल मैं बस दिखा रहा हूँ। अगर तुम इस फंक्शन को कॉल करते हो चार बैट्समैन का नाम प्रोवाइड करके, ये क्या करेगा, चारों का लाइन चार्ट प्लॉट कर देगा। ये देखो शिफ्ट एंटर मारा, ओके सो पहले एक बार इसको रन कर देते हैं, इसको रन नहीं किया हमने, इस फंक्शन को हमने रन किया और उसके बाद हमने इस फंक्शन को कॉल किया विथ फोर बैट्समैन नेम्स। और ये देखो स्क्रीन पे ये रहे हमारे चार अलग अलग बैट्समैन, सो देर इज विराट कोहली, रोहित शर्मा, डेविड वार्नर एंड एम एस धोनी, एंड चारों का हमारे पास एक कंपैरेटिव लाइन चार्ट बन गया, सो वी कैन इजिली फाइंड आउट कौन बैट्समैन किस सीजन में कैसा परफॉर्म किया। ठीक है, तो जस्ट वॉन्टेड टू शो यू कि पॉसिबिलिटी है ये वाला चीज़ करने का, तुम लोग भी एक बार ट्राई कर सकते हो। बस एक बार रन करना है कोड को, कोड ऑलरेडी है वहाँ पे। ठीक है, सो मल्टीपल लाइन चार्ट्स को प्लॉट करने का कोड ये रहा, एक बार रन कर लो। मीन वाइल वी आर मूविंग ऑन टू आर नेक्स्ट प्लॉट विच इज बार प्लॉट। ठीक है, सो बार प्लॉट आई गेस पता ही होगा, काम कर चुके हैं। यहाँ पे तुम एक्स एक्सिस पे एक कैटेगोरिकल वेरिएबल रखते हो और वाई एक्सिस पे तुम एक न्यूमेरिकल वेरिएबल रखते हो जो कि जनरली काउंट होता है, तुम फ्रीक्वेंसी काउंट बताते हो। ठीक है, ऑफ कैटेगोरिकल वेरिएबल, जैसे यहाँ पर है कंट्रीज विथ मोस्ट ऑयल रिजर्व, सो वेनेजुएला में सबसे ज्यादा है, देन सऊदी, देन कैनेडा, ईरान, रशिया एंड ऑल। ठीक है, तो बार प्लॉट्स को कैसे प्लॉट करते हैं वो हम लोग देख रहे हैं, और उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं फिर से, वट वॉज आई प्लानिंग टू डू, मैंने ऑब्वियसली टॉप 10 बैट्समैन निकाला। ओके ओके ओके, सो आई गॉट इट। हम क्या कर रहे हैं, हम टॉप 10 बैट्समैन निकाल रहे हैं जिन लोगों ने सबसे ज्यादा रन्स बनाए आईपीएल में, और फिर हमने ये निकाला कि उन्होंने टोटल रन्स कितने बनाए, मतलब ये तो हम बहुत बार कर चुके हैं। सी आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर डेटा फ्रेम, ये मेरे टॉप 10 बैट्समैन है और ये उन लोगों ने आज तक जितने रन्स बनाए वो एक डेटा फ्रेम में मैंने डाल दिया। ठीक है, ये सॉर्टेड नहीं है, ये एक्चुअली बैट्समैन में सॉर्टेड है, तो सॉर्ट करने से सुरेश रैना सबसे ऊपर आ जाएगा, सो यू नो दिस डेटा राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, इस डेटा को यूज करके हम लोग एक बार ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है, जल्दी से देखना, तो यहाँ पे भी कुछ ज़्यादा नहीं करना, सबसे पहले यू विल राइट ट्रेस इक्वल टू गो डॉट द नेम वुड बी बार, आई जस्ट कंफर्म, यस बार। यहाँ पे तुम एक्स में पास कर दोगे इस डेटा फ्रेम का कैटेगोरिकल वेरिएबल जो बैट्समैन के अंदर स्टोर्ड है, लाइक दिस, और वाई में तुम पास कर दोगे इसी डेटा फ्रेम का बैट्समैन रन्स। ठीक है, इतना करने के बाद अगेन यू विल राइट डेटा इक्वल्स ट्रेस वाला सिंटेक्स, और आगे का काम भी तुमको पता है, एक वेरिएबल बना रहे हो लेआउट बोल के विच विल बी इक्वल टू गो डॉट लेआउट, और यहाँ पे अगेन यू विल पास द टाइटल, टाइटल वुड बी इक्वल टू टॉप 10 आईपीएल बैट्समैन, राइट। एक्स एक्सिस पे यू विल पास अ डिक्शनरी जिसमें टाइटल के अंदर यू विल पास बैट्समैन, एंड वाई एक्सिस में टाइटल के अंदर यू विल पास टोटल रन्स। ये हो गया अपना लेआउट, उसके बाद हम क्रिएट करेंगे अपना फिगर विच वुड बी इक्वल टू गो डॉट फिगर, डेटा इक्वल्स डेटा, ये तीसरी बार कर रहे हैं तो अब इजी लगने लगा होगा, लेआउट इक्वल्स लेआउट, एंड द लास्ट थिंग वुड बी पी वाई वो को कॉल करके प्लॉट के अंदर फिक को भेज देना, एंड दिस इज द कोड फॉर आर बार प्लॉट। यू कैन सी एक ही पैटर्न हम लोग बार बार फॉलो कर रहे हैं, राइट। शिफ्ट एंटर मार रहे हैं और ये रहा मेरा बार चार्ट। ठीक है, सो यू कैन ईजली सी कि यू कैन चेंज कलर्स, फिर से वही मार्कर में जाकर के कलर चेंज कर दो और बाकी तो सब ठीक है, सो यू कैन डू द अदर स्टफ जो भी तुम यहाँ पे कर सकते हो। सो एक बार ये कोड रन करके देख लो, दिस इज द कोड टू प्लॉट अ बार ग्राफ।
ओके सो आई होप ये वाला सिंपल था हो गया होगा। अब देखो देर आर एक्चुअली थ्री टाइप्स ऑफ बार ग्राफ्स एंड कभी कभी क्या होगा कि तुम एक्स एक्सिस में भी मल्टीपल कैटेगरीज में डेटा दिखाना चाहोगे। जैसे मैं क्या दिखाना चाहता हूँ कि ए बी डिविलियर्स ने आज तक आईपीएल में फर्स्ट इनिंग्स में कितने रन्स मारे, सेकेंड इनिंग्स में कितने रन्स मारे, ठीक है। तो ये दिखाने का दो तरीका है, एक है कि इसी बार वाले इस बार को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, उसको साइड बाय साइड खड़ा कर दूं, राइट। सेकेंड इज मैं इसी में दो डिविजन्स क्रिएट कर दूं, ऊपर या नीचे, ठीक है। तो वही दो हम लोग डिस्कस करेंगे, फर्स्ट इज नेस्टेड, सेकेंड इज स्टैक्ड एंड थर्ड इज ओवरलेड, मतलब सेम चीज़ के ऊपर आ जाएगा। तो मैंने किया क्या, एक बार जल्दी से देख लो, मैंने बस डेटा फ्रेम को इस तरीके से मॉडिफाई किया कि एट द एंड ये रिजल्ट आ रहा है। मतलब ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है, जस्ट वन सेकेंड। या सी मैंने बस इस तरीके से अपने डेटा फ्रेम को मॉडिफाई किया कि पहले मेरे पास क्या था, मेरे टॉप 10 बैट्समैन और उन्होंने टोटल कितने रन्स बनाए, और इसमें मैंने क्या चेंज कर दिया बस कि अभी भी मेरा बैट्समैन वही लोग हैं, बस मैंने उनके रन्स को दो कॉलम्स में डिवाइड कर दिया, फर्स्ट इनिंग्स और सेकेंड इनिंग्स। मतलब ये लॉजिक बहुत डिफिकल्ट नहीं है, हमने बस मर्ज किया है दो अलग डेटा फ्रेम बना के, थोड़ा सा देखोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि इस पर्टिकुलर डेटा फ्रेम को यूज करके हम लोग ये दो तरीके के ग्राफ्स को प्लॉट कर रहे हैं, नेस्टेड स्टैक्ड और ओवरलेड, तीन को प्लॉट कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। सो ध्यान से देखना क्या किया हमने, हमने बनाया ट्रेस वन जिसमें हमने फाइनल का बैट्समैन और फर्स्ट इनिंग्स का डेटा भेजा और हमने नेम में डाल दिया फर्स्ट इनिंग्स, ठीक है, और कलर दे दिया ग्रीन। और ट्रेस टू में क्या किया, यहाँ पे हमने सेकेंड इनिंग्स का डेटा भेजा, ठीक है, और यहाँ पे कलर कुछ और है, ठीक है। डेटा के अंदर हमने ट्रेस वन और ट्रेस टू को भेजा, लेआउट के अंदर हमने लिख दिया कि इनिंग वाइज स्कोर हमारा टाइटल है, एक्स एक्सिस पे ये आएगा, वाई एक्सिस पे ये आएगा, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग, बार मोड, ठीक है। सो अगर तुम बार मोड में ओवरले देते हो और फिर इस कोड को रन करते हो तो यू शुड गेट समथिंग लाइक दिस। ये देखो एक दूसरे के ऊपर ही चढ़ गया, ठीक है। सो ये देख के क्लियरली समझ में आ रहा है कि एवी डिविलियर्स ने फर्स्ट बैटिंग करते टाइम 2128 रन बनाए और सेकेंड बैटिंग करते टाइम 1345 रन बनाए, ठीक है। बेसिकली ये सेकेंड इनिंग्स वाला फर्स्ट इनिंग्स वाले के ऊपर ओवरले हो गया, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन इज कि तुम इसको ओवरले से चेंज करके स्टैक बना दो लाइक दिस, ठीक है, और शिफ्ट एंटर मारोगे। नाउ तुमको ये और ये सेम लग रहा होगा बट ये डिफरेंट है, दिस इज ओवरलेड, दिस इज स्टैक्ड, ठीक है। सो इतने रन्स फर्स्ट इनिंग्स के और उसके ऊपर और इतने रन्स सेकेंड इनिंग्स के, फर्स्ट इनिंग्स के सेकेंड इनिंग्स के, ठीक है। सो दिस इज स्टैक्ड बार ग्राफ, दिस इज ओवरलेड। देख लो इस पर्टिकुलर गौतम गंभीर के केस में सेकेंड इनिंग्स इतना ज़्यादा है कि वो फर्स्ट इनिंग्स के ऊपर चला गया पूरा, इसलिए ग्रीन वाला पार्ट दिख नहीं रहा है। लेकिन इस ग्राफ में अगर तुम गौतम गंभीर का बात करो तो 1699 उसका फर्स्ट इनिंग्स का है और फिर सेकेंड इनिंग्स का 2433 है, ठीक है। सो दिस इज नोन एज स्टैक्ड। द थर्ड टाइप इज कि तुम ये बार मोड दो ही मत और बाय डिफॉल्ट में वो नेस्टेड आ जाए। सो अगर तुम इसको हटा के शिफ्ट एंटर मारते हो तो तुमको थर्ड टाइप मिलेगा विच इज नेस्टेड, ये दिस इज नेस्टेड, साइड बाय साइड आ रहा है, ठीक है। सो दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ बार ग्राफ्स, एक बार चला के देख लेना। दिस वन इज ओवरले, दिस वन इज स्टैक्ड एंड दिस वन इज नेस्टेड, ठीक है। एक बार ये वाला कोड चला के देख लो, बस शिफ्ट एंटर मारना है, बाकी का कोड लिखा हुआ है। सो कौन सा कोड हटाया? कौन सा कोड हटाए, ओ सॉरी, यहां पे एक कोड लिखा हुआ था ये वाला, इनिशियली ये लिखा होगा, इतना कोड हटाना है। हटाने से उसका जो डिफॉल्ट बिहेवियर है विच इज नेस्टेड वो आ जाता है, अदरवाइज तुमको बाकी के लिए बार मोड प्रोवाइड करना पड़ता है। यस सही।
अभी तक कितने लोगों का काम कर रहा है एक बार थोड़ा बताना व्हाट्सएप पे। सी यार ये ऑनलाइन वाले में समझ में नहीं आता, पागलों की तरह बस बोलते रहना पड़ता है, सो दैट इज़ वियर्ड। ओके शांतनु का काम कर रहा है, चंद्रमा का काम कर रहा है, विशाल का कर रहा है, ओके शिखा का भी काम कर रहा है, अंजलि तुम्हारा काम कर रहा है, दीपम। दीपम तुमको ये ट्रेस वाला नहीं समझ में आ रहा है, ये देखो ना डेटा के अंदर इसलिए डाल रहे हैं सो दैट तुम मल्टीपल ट्रेसेस पास कर पाओ। कल को अगर मुझे यहाँ पे लेट से थर्ड इनिंग्स या फोर्थ इनिंग्स का भी डेटा डालना होता तो मैं ट्रेस 3 क्रिएट कर देता और मैं उसको वहाँ पे ट्रेस 3 में भेज देता, इसलिए मैं डेटा इक्वल टू ट्रेस का लिस्ट बना रहा हूँ। समझ में आया तो बताओ, नहीं तो फिर से एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है सो नेक्स्ट वाले प्लॉट पे मूव करते हैं विच इज़ बबल प्लॉट। ये तुम लोगों ने पहले नहीं किया है सो थोड़ा नया है और बहुत इंटरेस्टिंग है और पावरफुल भी। स्क्रीन पे देखना, ये जो तुम्हारा स्क्रीन पे दिख रहा है दिस इज़ कॉल्ड अ बबल प्लॉट। अब तुम अगर ध्यान से देखो ना तो ये स्कैटर प्लॉट ही है, स्कैटर प्लॉट तो देखा ही है, बेसिकली पॉइंट्स ऑन द 2D प्लॉट, दिस इज़ अ स्कैटर प्लॉट। इसमें बस दो पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन और है। पहला पीस ऑफ इंफॉर्मेशन कौन सा है, ये डायमीटर ऑफ द पॉइंट और सर्कल। सो हम क्या करेंगे, हम दो एक्सिस के ऊपर तो प्लॉट करेंगे सबसे पहले, तो हमारे पास नॉर्मल पॉइंट्स आ गए ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक और पर्टिकुलर कॉलम को पकड़ लेंगे और उस कॉलम को उठा करके हम इस पर्टिकुलर पॉइंट का साइज बना देंगे। सो अगर मैं तुमको एग्जाम्पल दूँ कि अगर हम ये करें कि हम एक्स एक्सिस पे बैट्समैन का एवरेज रखें और वाई एक्सिस पे बैट्समैन का स्ट्राइक रेट रखें तो हमारे पास एक स्कैटर प्लॉट आएगा राइट। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं ये जो पॉइंट का साइज है ये डिसाइड इस चीज़ से होगा कि उस बैट्समैन ने आज तक कितने छक्के मारे, विच बेसिकली मीन्स वो बैट्समैन जिसने सबसे ज़्यादा छक्के मारे लाइक क्रिस गेल वो सबसे ज़्यादा दिखाई देगा, लाइक दिस वन वुड बी क्रिस गेल ठीक है। और जिसने सबसे कम छक्के मारे वो बैट्समैन ऐसे दिखाई देंगे, ये पॉइंट आएगा समझ में आ रहा होगा थोड़ा सा ठीक है। सो यू आर रिप्रेजेंटिंग अ थर्ड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन और अ थर्ड एक्सिस यू आर इंट्रोड्यूसिंग इन द ग्राफ। फिर एक और एक्सिस भी तुम इंट्रोड्यूस कर सकते हो और वो होता है अपना कलर, देख रहोगे तो अगर तुम कुछ कलर्स ब्लू हैं, कुछ पर्पल है और कुछ ग्रीन है और कुछ येलो है। सो अगर लेट्स से मुझे ये भी रिप्रेजेंट करना है कि वो बैट्समैन कौन सी टीम से खेलता है तो टीम इज अ कैटेगोरिकल वेरिएबल, वो यहाँ पे कलर का फॉर्म ले लेगा ठीक है। तो आई गेस बबल प्लॉट समझ में आया। बबल प्लॉट इज एसेंशियली अ स्कैटर प्लॉट जहाँ पे तुम तीन न्यूमेरिकल डेटा उठाते हो और एक कैटेगोरिकल डेटा उठाते हो ठीक है। सो तुम पहले दो न्यूमेरिकल डेटा को एक्स और वाई पे डाल देते हो, तीसरे न्यूमेरिकल डेटा से तुम साइज डिफाइन करते हो और जो चौथा अपना है कैटेगोरिकल वेरिएबल उससे तुम कलर डिफाइन करते हो ठीक है। तो ये वाला हम लोग करने जा रहे हैं एंड जितना मेरे को याद है मैंने इसका कोड लिखा नहीं है ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले तो मैं फाइनल जो मेरा है उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ, और दिस इज़ फाइनल। हमने ऊपर एक इफ आई रिमेम्बर करेक्टली हमने यहाँ पर ऊपर, हाँ ये था अपना AVG बोल के हमने एक डेटा फ्रेम बनाया था एकदम फर्स्ट वाले के लिए AVG। सो ये रहा AVG और AVG में हमारे पास 50 बैट्समैन थे और 50 बैट्समैन का एवरेज और बैट्समैन रन्स हमने दो और कॉलम्स में डाल दिया था और इसका हमने स्कैटर प्लॉट बनाया था। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या कर रहे हैं गाइस कि हम लोग एक और कॉलम यहाँ पे ऐड करेंगे कि इस पर्टिकुलर बैट्समैन ने कितने सिक्सेस मारे, इस बैट्समैन ने कितने सिक्सेस मारे, इस बैट्समैन ने कितने सिक्सेस मारे ठीक है। ये निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा कोड कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। सो एक बार टॉप पे जाना या मत जाओ, मैं जो लिख रहा हूँ साथ में लिख लेना ठीक है। मैं बस ये करूँगा कि आई विल फेच द कोड।
जहाँ पे मैंने टॉप 50 बैट्समैन एक्सट्रैक्ट किए हैं, एंड दैट इज दिस। या मैं सीधे काम कर सकता हूँ, मैं न्यू आईपीएल को डायरेक्टली यूज़ कर सकता हूँ, बिकॉज न्यू आईपीएल में मेरे पास सिर्फ वही बैट्समैन है जो लोग टॉप 50 में आते हैं। या सो दैट वुड बी नाइस। तो नीचे आके तुम एक काम करो, यू विल जस्ट राइट न्यू आईपीएल एंड यू विल गेट दिस डेटा फ्रेम। सो दिस डेटा फ्रेम विल कंटेन ओनली दोज बैट्समैन हु आर इन टॉप 50, राइट? अब मैं बस क्या सिंपल सा काम कर रहा हूँ, मैं इसके ऊपर ग्रुप बाय मार रहा हूँ। ग्रुप बाय में आई एम राइटिंग ग्रुप बाय ऑन बैट्समैन के ऊपर मार रहा हूँ, और मैं ओके, सो आई हैव टू डू वन मोर थिंग एंड दैट इज न्यू आईपीएल बैट्समैन रन्स इक्वल टू 6। इसको मैंने वापस न्यू आईपीएल में ही डाल दिया। तो आई गेस अब तुमको समझ में आ रहा होगा क्या होने वाला है। अब मेरे पास वो डेटा फ्रेम आएगा जिसमें सिर्फ टॉप 50 बैट्समैन है और हर बार बैट्समैन रन कितना है 6, दिख नहीं रहा है बट बैट्समैन रन 6 है, ठीक है? और इसी को मैंने वापस न्यू आईपीएल में डाल दिया। अब मैं क्या करूँगा, मैं न्यू आईपीएल को पिक करूँगा और उसके ऊपर ग्रुप बाय लगा के बैट्समैन के ऊपर बैट्समैन रन्स कॉलम के ऊपर आई विल राइट काउंट। सो आई गेस समझ में आ रहा मैंने क्या किया। इतना करने के बाद बस मेरे पास जो टॉप 50 बैट्समैन है, एक सीरीज निकल के आ गया कि एबी डिविलियर्स ने अभी तक 158 छक्के मारे, गिलक्रिस्ट ने 92 छक्के मारे। इसको मैं रीसेट इंडेक्स करके एक डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर दूंगा, एंड दिस इज द डेटा फ्रेम, ठीक है? ये बैट्समैन रन्स ही हो गया अभी भी। इसको हम 6 बोल के एक डेटा फ्रेम में डाल देते हैं। सो अगर तुम अभी नोटिस करो, 6 के अंदर स्टोर्ड है हर बैट्समैन ने कितने छक्के मारे, और एवरेज के अंदर हमारा बाकी का डेटा फ्रेम है लाइक दिस, ठीक है? और दोनों में एक ही चीज़ कॉमन है, बैट्समैन। तो हम ये लिखेंगे एवरेज, और मर्ज करेंगे हम 6 के ऊपर और कौन से कॉलम के ऊपर, बैट्समैन के ऊपर, और ये रहा। सो नोटिस करना, ये जो मेरे पास नया डेटा फ्रेम आया वहाँ पे मेरे पास 4 कॉलम है, बैट्समैन का नाम, एवरेज, स्ट्राइक रेट, और ये मेरे नंबर ऑफ सिक्सेज हैं। ऑल दो मेरा कॉलम का नाम अभी सही से रिप्रेजेंटेड नहीं है, बट ठीक है यार, थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं, ओके? इसको हमने एक वेरिएबल में डाल दिया और उसको हमने एक्स बोल दिया, ठीक है? सो दिस इज एक्स, ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है दिस इज एक्स। अब मैं क्या करूँगा, मैं बबल प्लॉट या बबल ग्राफ प्लॉट करूँगा। कैसे, देखना ध्यान से। अगर ये 3 लाइंस लिख लिया तो अब लिखना स्टार्ट करो, यू विल राइट ट्रेस इक्वल्स गो डॉट, अगेन ये स्कैटर प्लॉट ही है तो तुम स्कैटर ही लिखोगे। यहाँ पे तुम्हारा एक्स हो जाएगा एक्स का एवरेज, तुम्हारा वाई हो जाएगा एक्स का दिस कॉलम, ये पूरा का पूरा मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और या अपना मोड हो जाएगा, सिंस हमको सिर्फ डॉट्स ही चाहिए हैं, हम लिखेंगे मार्कर्स, और उसके बाद नीचे मेन काम होगा, हम लिखेंगे मार्कर्स इज इक्वल टू, इफ़ यू रिमेंबर हमने ऊपर एक डिक्शनरी डिफाइन किया था जिसमें सबसे पहले हम साइज देते थे। सो ऊपर हमने साइज 16 दिया था इफ यू रिमेंबर, बट इन दिस केस हम साइज में ये दूसरे वाला कॉलम, ये वाला कॉलम पास कर देंगे। सो वी विल राइट एक्स का, विल जस्ट पास कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ठीक है? ये रहा मेरा ट्रेस। देन आई विल क्रिएट अ लेआउट, रादर फर्स्ट आई विल क्रिएट अ डेटा जिसके अंदर मैं पास कर दूंगा ट्रेस, देन आई विल क्रिएट अ लेआउट। ये सब अब रेगुलर हो रहा है, आई गेस समझ में आ रहा होगा। गो डॉट लेआउट एंड आई विल पास द टाइटल, फिलहाल मैं बस लिख देता हूँ बबल चार्ट, एंड एक्स एक्सिस पे आई विल पास अ डिक्शनरी जिसमें टाइटल होगा एवरेज, स्पेलिंग मिस्टेक है लीव इट, वाई एक्सिस में टाइटल, और यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा स्ट्राइक रेट, और बस फिर से सेम काम, यू विल क्रिएट अ वेरिएबल फिगर एंड यू विल पास गो डॉट फिगर एंड यू विल पास
data equals data, layout equals layout, and last me you will write pyo dot plot and you will pass your figure. So again एक बार मैं चला रहा हूँ, तुम लोगों को मैं टाइम दूंगा लिखने का, ठीक है? एक बार मेरे को रन करने दो. And there is some error, and the error is यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ. ओके, शिफ्ट एंटर. मार्कर्स नहीं होगा यहाँ पे, आई एम सॉरी, दिस वुड बी मार्कर, ओनली मार्कर. या सी, ये रहा अपना ग्राफ. सो अच्छा, एक और चीज़ अब यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ऑल दो मेरा साइज सही से आ रहा है, बट बैट्समैन का नाम नहीं आ रहा. सो डू यू रिमेम्बर, हमने वहाँ पे एक चीज़ और ऐड किया था, नेम बोल के एक एट्रीब्यूट था, और नेम में हम क्या पास कर देंगे, एक्स का बैट्समैन वाला कॉलम. अब रन करते हैं. जस्ट वन सेकेंड, एक्स का बैट्समैन ही तो है, एक्स का बैट्समैन ही तो पास कर रहे हैं. सो नेम में एक्स का बैट्समैन, दिस शुड वर्क, बट कुछ एरर आ रहा है बिकॉज रिसीव वैल्यू जीरो इज ए बी डिविलियर्स, इनवैलिड वैल्यू ऑफ, किसी को अगेन प्रॉब्लम समझ में आएगा तो हेल्प करो. इनवैलिड वैल्यू ऑफ टाइप रिसीव, कुछ डेटा मिसमैच हो रहा है. यस, चलो ठीक है, फिलहाल थोड़ी देर के लिए इसको इग्नोर मारते हैं, ऐसे चला के देखते हैं. और अभी फिलहाल ऐसा दिख रहा है. सी गाइज, अनफॉर्चुनेटली इस पॉइंट पे, जैसे प्रोबेबली दिस गाय हैज़ टू बी सुरेश रैना, इस पॉइंट पे हमारे पास कोई कैटेगोरिकल वेरिएबल नहीं है जिसको यूज़ करके हम कलर्स रिप्रेजेंट करवा पाएँ, दैट्स द इशू. बट हम एक चीज़ ट्राई कर सकते हैं कि हम इसी डिक्शनरी के अंदर अगर हम कलर में बैट्समैन ही पास कर दें, जो कि वैसे काम नहीं कर रहा है, तो हमारे पास 50 डिफरेंट कैटेगरीज हो जाएंगे, बिकॉज हमारे पास 50 बैट्समैन है, तो 50 डिफरेंट शेड्स ऑफ कलर आ जाना चाहिए. बट अनफॉर्चुनेटली ये वाला चीज़ काम नहीं कर रहा है बिकॉज बैट्समैन वाले में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है. ओके, ठीक है गाइज, एक काम करते हैं, जस्ट मेक श्योर इतना लिख लो तुम लोग, हमारे पास एक बबल प्लॉट आ रहा है, बस उसमें कलर हमारे पास नहीं आ रहा है और नेम्स में कुछ इश्यू हो रहा है, एक बार इतना चला के देख लो, दिस मच. ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, ऐसे भी बहुत लोग सेशन ज्वाइन नहीं किए, चार ग्राफ्स और बचे थे, मैं वो नहीं पढ़ा रहा हूँ अभी. मैं, तुम्हारे पास नोटबुक है, तुम ट्राई कर सकते हो. मैं मंडे को पूरा एक वीडियो बना करके शेयर कर दूंगा क्लासरूम में, ठीक है? और अभी तक इस सेशन में किसी को प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क मी, माइक यूज़ करके पूछ सकते हो. किसी को कोई डाउट्स? बबल प्लॉट आया किसी का? कोड लिख रहे हैं. स्क्रीन पे है, देखो. ठीक है, मैं एक काम करूंगा ना, ये जो नया वाला जो जुपिटर नोटबुक है जिसमें मैंने अभी काम किया है, ये मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है? तो तुम लोग एक बार इसको चला के देख लेना. और बाकी नीचे भी चार प्लॉट्स और हैं, अगर चाहो तो ट्राई कर सकते हो. आई नो तुम लोग का मिड सेम एंड ऑल चल रहा है, बट अगर टाइम मिले तो ट्राई कर सकते हो. अदरवाइज मैं मंडे को एक कंप्लीट वीडियो बना के भेज दूंगा, क्योंकि बाकी लोगों ने ऐसे भी अटेंड नहीं किया, उनको चाहिए होगा. ठीक है, सो हेलो गाइज, फ्राइडे को हमने एक सेशन स्टार्ट किया था प्लॉटली पे, अनफॉर्चुनेटली कंप्लीट नहीं कर पाए थे बिकॉज टाइम थोड़ा ज़्यादा लग गया था. सो जो भी लोग उस दिन आए थे उनको याद होगा, हमने चार प्लॉट्स डिस्कस किए थे, स्कैटर प्लॉट, लाइन चार्ट, बार प्लॉट एंड बबल प्लॉट. ठीक है, और हमारे चार प्लॉट्स बच गए थे.
So what I'll do is, in this video I'll try to cover these four plots. Okay, so let's start with box plot. So this is a box plot on your screen. I guess हम लोग already इसके ऊपर थोड़ा पढ़ाई कर चुके हैं. तो you know right कि box plot में आप क्या करते हो, एक particular column को उठाते हो and that column should be numerical, right? Categorical नहीं होना चाहिए. What you do is you take one numerical column and उसके ऊपर तुम basically उसका distribution निकालते हो. ठीक है, सो एक और तरीका डिस्ट्रीब्यूशन निकालने का हिस्टोग्राम होता है, और ये काइंड ऑफ हिस्टोग्राम ही है, लाइक दिस इज लाइक अ हिस्टोग्राम, बस ये बॉक्स प्लॉट के शेप में है. सो बॉक्स प्लॉट में कुछ चीजें होती है, मैं जल्दी से बता देता हूँ. सो बॉक्स प्लॉट इज बेसिकली अ सेट ऑफ क्वार्टाइल्स. ठीक है, तो हमारे पास चार क्वार्टाइल्स होते हैं. सो द फर्स्ट क्वार्टाइल इज द फर्स्ट 25% ऑफ द डेटा, देन द नेक्स्ट 25% डेटा, देन द नेक्स्ट 25% डेटा, एंड देन द टॉप 25% डेटा. ठीक है, सो Q1, Q2, Q3, दीज आर द क्वार्टाइल्स. दिस इज द मिनिमम जो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, Q1 माइनस 1.5 IQR. IQR स्टैंड्स फॉर द इंटर क्वार्टाइल रेंज. सो बेसिकली जो बॉक्स दिखाई दे रहा है इसको हम इंटर क्वार्टाइल रेंज बोलते हैं, Q1 माइनस Q3. ठीक है, Q2 अपना मीडियन होता है. सो और ये जो ग्रीन कलर के डॉट्स हैं इनको हम बोलते हैं आउटलायर्स. बेसिकली जो भी वैल्यूज इन फॉर्मूले से ज्यादा होगा या इस फॉर्मूले से कम होगा उसको हम आउटलायर कंसिडर कर लेते हैं. ठीक है, सो बॉक्स प्लॉट का फायदा ये है कि वन गो में यू कैन अंडरस्टैंड द एंटायर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेटा और अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाता है बेसिकली. एक और चीज जो हम कर सकते हैं वो हम साइड बाय साइड बॉक्स प्लॉट भी प्लॉट कर सकते हैं. ठीक है, लेट्स से हमारे पास सैलरीज है. ठीक है, एक कॉलम में सैलरीज है और उसके जस्ट बगल वाले कॉलम में जेंडर है. ठीक है, तो व्हाट वी कैन डू इज ईदर वी कैन प्लॉट अ सिंगल बॉक्स प्लॉट फॉर द सैलरी कॉलम और वी कैन प्लॉट टू बॉक्स प्लॉट्स फॉर द सैलरी कॉलम. बट इस बार दो कैटेगरीज हो जाएंगी, वन फॉर मेल एंड सेकेंड फॉर ईमेल, सॉरी फीमेल. सो आई एम सॉरी. सो नाउ व्हाट वी विल डू इज कि ये बॉक्स प्लॉट हम लोग प्लॉट करेंगे यूजिंग प्लॉटली. ठीक है, सो ये मैंने कोड लिखा है, इस कोड का आउटपुट देखोगे तो तुमको कोड भी समझ में आ जाएगा. द आउटपुट इज वेरी सिंपल कि आईपीएल में आज तक जितने भी मैचेस हुए हैं, विच इज टोटल मिला के 636 मैचेस, मैंने उन सारे मैचेस में टोटल मिला करके कितने रन्स बने हैं वो निकाल लिया, लाइक फर्स्ट इनिंग्स में कितने रन्स बने, देन सेकेंड इनिंग्स में कितने रन बने, और दोनों को ऐड कर दिया. ठीक है, तो मेरे पास मैच वाइज टोटल रन्स हैं. ठीक है, सो आईपीएल में जो पहला मैच हुआ था उसमें दोनों टीम्स ने मिलकर बनाए थे 379, सिमिलरली 371, 367, ऐसे करके. ठीक है, पूरा डेटा अपने पास है. और मैंने एक और काम किया, मैंने वो मैच जिस सीजन में हुआ है ना वो भी एक कॉलम बना लिया. सो जैसे ये वाला जो अपना रो है, ये वाला मैच 2017 में हुआ. सिमिलरली अगर तुम नीचे जाओगे तो ये वाला पर्टिकुलर मैच 2016 में हुआ. ठीक है, सो व्हाट आई विल डू नाउ इज कि आई विल प्लॉट अ बॉक्स प्लॉट ऑन दिस सिंगल कॉलम टोटल रन्स. ठीक है, एंड देन आई विल प्लॉट वन मोर बॉक्स प्लॉट जिसमें देर विल बी टू कैटेगरीज. द फर्स्ट बॉक्स प्लॉट विल बी फॉर 2017 सीजन एंड द सेकेंड बॉक्स प्लॉट वुड बी फॉर 2008 सीजन. सो मैं पहला और लास्ट सीजन को कंपेयर करूंगा. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. सो व्हाट यू हैव टू डू इज फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्रिएट अ ट्रेस जस्ट लाइक एनी अदर प्लॉट दैट वी हैव डन इन प्लॉटली. देन वी राइट गो डॉट बॉक्स, दिस टाइम द फंक्शन इज बॉक्स, एंड देन यू प्रोवाइड योर एक्स. और यहाँ पे बस तुमको अपने कॉलम का नाम प्रोवाइड करना होता है. ठीक है, सो हमारे डेटा फ्रेम का नाम है सीजन अंडरस्कोर वाइज और हमारे कॉलम का नाम है टोटल रन्स. सो विल राइट कंट्रोल वी टोटल रन्स. ठीक है, एंड व्हाट यू कैन डू इज यहाँ पे यू कैन गिव इट अ नेम. आई शो कि नेम कहाँ जा रहा है. यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऑल सीजन्स. ठीक है, देन विल गो टू डेटा विच इज अ लिस्ट एंड वहां पे विल पास ऑन द ट्रेस एंड देन विल क्रिएट अ लेआउट विच वुड बी इक्वल टू गो डॉट लेआउट. वी विल पास आवर टाइटल. टाइटल में वी कैन राइट टोटल स्कोर एनालिसिस समथिंग लाइक दैट. एंड हम लोग एक्स एक्सिस पे एक चीज पास करेंगे
विच वुड बी अ डिक्शनरी जिसके अंदर जो की वैल्यू पेयर है दैट वुड से टोटल स्कोर. या एंड देन वॉट वी विल डू इज विल क्रिएट अ फिगर ऑब्जेक्ट यूजिंग द गो डॉट फिगर फंक्शन विल पास डेटा इज इक्वल टू डेटा एंड लेआउट इज इक्वल टू लेआउट एंड फाइनली विल यूज द पी वाई ओ लाइब्रेरी एंड द फंक्शन प्लॉट टू प्लॉट दिस फिगर. ठीक है, सो दिस इज द कोड. अगेन बहुत सिंपल है, इसको मैं एक बार रन कर रहा हूँ एंड दिस इज द ग्राफ. सी यहाँ पे हमने वाई एक्सिस पे डाल दिया कि ऑल सीजन्स का ये एनालिसिस है, राइट? और हमने एक्स एक्सिस पे डाल दिया टोटल स्कोर्स, बिकॉज यहाँ पे हम टोटल स्कोर ही कंसिडर कर रहे हैं. तो यू कैन सी कि हमारे एंटायर आईपीएल का डेटा सेट के ऊपर अगर तुम मीडियन निकाल रहे हो तो 311 आ रहा है. ठीक है, लोएस्ट इज 56. आई डोंट नो कौन सा मैच था ये जिसमें दोनों टीम्स ने मिला के 56 मारा. एंड प्रोबेबली बारिश हुई होगी एनीवेज. और ये रहा वो मैच जिसमें सबसे ज़्यादा रन्स बने, विच इज़ 469. एंड यू कैन सी दीज आर आउटलायर्स, ये इतने आउटलायर्स हैं. ये अपना आई क्यू आर है एज इन इंटरक्वार्टाइल रेंज Q1 एंड Q3, एंड दिस इज योर मिनिमम वैल्यू एंड दिस इज योर मैक्सिमम वैल्यू. ठीक है, सो सिंपल बॉक्स प्लॉट, राइट? यू कैन मेक चेंजेस इफ यू वॉन्ट, यू कैन जस्ट डू अ कलर चेंज, बताया था मैंने. वॉट यू डू इज यू राइट अ मोड, सॉरी नॉट मोड, यू राइट मार्कर एंड यू पास अ डिक्शनरी इन साइड विच यू राइट कलर एंड इन साइड कलर यू जस्ट पास अ कलर. सो 00A65A विच इज ग्रीन. ठीक है, सो हेयर इट इज. ठीक है, ग्रीन हो गया. तो ये तो हो गया सिंगल बॉक्स प्लॉट बनाना. अब एक काम करते हैं, दो बॉक्स प्लॉट बनाते हैं साइड बाय साइड. फर्स्ट बॉक्स प्लॉट होगा 2018 सीजन, 2017 सीजन का, और सेकंड बॉक्स प्लॉट होगा 2008 सीजन का. ठीक है, तो अब क्या करना है अपने को, दो ट्रेसेस बनाने हैं. सो दिस विल बी ट्रेस वन एंड आई विल कॉपी पेस्ट कंट्रोल सी कंट्रोल वी, दिस वुड बी ट्रेस टू. ठीक है, और यहाँ पे हम ऑल सीजन्स के बदले पहले लिख देंगे 2017 मोस्ट रीसेंट वाला सीजन एंड दिस वुड बी 2008 सबसे पहला सीजन एंड दिस वुड बी ट्रेस वन ट्रेस टू. ठीक है, अब बस हमें एक चीज़ चेंज करना है. जैसे अभी हम दोनों ही जगह पे क्या पास कर रहे हैं, टोटल रन्स का पूरा कॉलम. बट हमें क्या करना पड़ेगा कि जब हम 2017 सीजन का बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ टोटल रन्स के वो वाले रोज पास करेंगे जहाँ पे सीजन का वैल्यू इज 2017. बेसिकली हम मास्क अप्लाई करेंगे. ठीक है, सो फॉर फंडा बहुत सिंपल है. व्हाट वील डू इज इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट लाइक दिस, वील राइट इट लाइक विल राइट सीजन वाइज में सीजन कॉलम इज इक्वल टू 2017. ये अपना मास्क बन गया. उस मास्क को हम क्या करेंगे, उठा करके वापस सीजन वाइज में डाल देंगे, राइट? सो ये पूरा चीज करने से क्या हो रहा है कि मुझे सिर्फ वो वाले रोज निकल के मिल रहे हैं जहां पे सीजन वाले कॉलम का वैल्यू 2017, राइट? बट अभी भी क्या हो रहा है कि मुझे पूरा का पूरा डेटा फ्रेम मिल रहा है, राइट? बट मुझे उस पूरे डेटा फ्रेम में से सिर्फ कौन सा कॉलम चाहिए, टोटल रन्स, लाइक दिस. आई गेस समझ में आ रहा होगा. पहले हमने एक मास्क क्रिएट किया, फिर हमने वही रोज निकाले जो हमको चाहिए थे, और उस डेटा फ्रेम के अंदर से हमने सिर्फ एक कॉलम फेच किया, टोटल रन्स. ठीक है, सेम काम मैं क्या करूंगा, आई विल कॉपी दिस एंटायर कोड कंट्रोल सी एंड आई विल पेस्ट इट ओवर हेयर लाइक दिस. और बस एक चीज चेंज हो जाएगा, 2017 के बदले इट वुड बिकम 2008. ठीक है, एंड आई गेस और कोई चेंजेस करने का जरूरत नहीं है. सो लेट्स रन द कोड एंड हेयर इट इज. ठीक है, एक चीज और कर सकते थे, इफ यू वॉन्ट यू कैन चेंज द कलर. सो ये मार्कर वाला प्रॉपर्टी हटा दे रहा हूँ मैं सेकेंड वाले से, तो बाय डिफॉल्ट इट वुड बी ब्लू. ठीक है, अब रन करते हैं. ओके, बाय डिफॉल्ट इट्स रेड एनीवेज. यू कैन सी यहाँ पे अपना लेजेंड आ चुका है. सो ग्रीन इज 2017 एंड रेड इज 2008. तो यू कैन सी कि यू कैन डू अ साइड बाय साइड कंपेरिजन, राइट? सो
The median वैल्यू वॉज लोअर बैक इन 2008, हाईएस्ट स्कोर भी थोड़ा बढ़ा है, बट ये आउटलायर्स का फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा बढ़ गया 2017 में, कम वालों में, ठीक है. और इंटरक्वार्टाइल रेंज थोड़ा सा कम है 2008 में, और 2017 में इंटरक्वार्टाइल रेंज थोड़ा ज़्यादा है, विच मीन्स कि ऑन द होल इफ यू से T20 में अब बैट्समैन लोग ज़्यादा रन्स बनाने लग गए हैं, ठीक है. दैट कुड बी वन ऑफ द कंक्लूजन्स. सो एनी वेज, कंक्लूजन्स ड्रॉ करना अभी अपना पॉइंट नहीं है. सो अगर तुमको एक और सीजन ऐड करना होता तो तुम वहाँ पे एक और ट्रेस ऐड कर देते एंड यू कुड हैव गॉट वन मोर बॉक्स प्लॉट, ठीक है. सो आई गेस फंडा समझ में आया बॉक्स प्लॉट का. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्लॉट. ओके, सो द नेक्स्ट प्लॉट इज डिस्क प्लॉट और डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट, जो अगेन हम लोग एक कंटिन्यूस सिंगल वेरिएबल के ऊपर ही प्लॉट करते हैं. सो इसमें एक्चुअली क्या है, डिस्क प्लॉट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री प्लॉट्स, ठीक है. सो द फर्स्ट प्लॉट इज द हिस्टोग्राम, द सेकेंड प्लॉट इज द KDE जो आपको जनरल शेप बताता है आपके हिस्टोग्राम का, एंड द थर्ड वन इज दिस थिंग, इट्स कॉल्ड रग प्लॉट. सो रग प्लॉट ऐसा कुछ खास नहीं है. रग प्लॉट में बेसिकली क्या कर रहे हो आप कि एक्स एक्सिस पे जितने भी एंट्रीज आ रही हैं उसको अपने रिस्पेक्टिव बिन्स में डालते जा रहे हो, ठीक है. सो जिस पर्टिकुलर रेंज में सबसे ज्यादा एंट्रीज होंगी वहां पे आपका रग प्लॉट थोड़ा सा डेंस दिखाई देगा, ठीक है. जैसे यू कैन सी कि ये वाला पार्ट इज डेंसर देन दिस पार्ट, ठीक है. सो डेंसिटी थोड़ा समझ में आता है. एक और चीज जो रग प्लॉट अच्छा बता पाता है इन कंपैरिजन टू हिस्टोग्राम, जैसे हिस्टोग्राम का अगर आप बात करो तो आपको ये नहीं समझ में आता कि बिन के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, राइट. बट अगर आप यहां पे नोटिस करो, रग प्लॉट आपको ये बताएगा कि -1 से 0 के बीच में मोर डेटा इज टूवर्ड्स -1, या अगर आप ये वाला लो -2 से -1, तो हिस्टोग्राम क्या बोलता कि देर आर फोर पॉइंट्स इन बिटवीन -2 टू -1. बट रग प्लॉट कैन ऑल्सो गिव यू दिस इंफॉर्मेशन दैट जो 4 पॉइंट्स है वो -1 के ज्यादा क्लोजर है, ठीक है. अब आई डोंट नो एग्जैक्टली आप कहाँ पे इसको यूज करोगे इस इंफॉर्मेशन को, बट एक एडिशनल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन यू आर गेटिंग फ्रॉम रग प्लॉट, ठीक है. सो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ग्राफ है बिकॉज यहाँ पे तुम तीन अलग अलग ग्राफ्स को ओवरले करके एक ग्राफ क्रिएट कर रहे हो, तो यहाँ पे वर्क फ्लो थोड़ा सा डिफरेंट होगा. तो वट आई विल डू इज आई विल शो यू हाउ टू डू इट, बट बिफोर दैट यू वुड रिक्वायर टू इम्पोर्ट दिस पर्टिकुलर लाइब्रेरी फिगर फैक्ट्री बोल के, ठीक है. सो वंस यू इम्पोर्ट इट, इट हैज बीन इम्पोर्टेड एज FF. अब मैं आपको एक डेटा फ्रेम दिखा रहा हूँ जो मैंने ऊपर क्रिएट किया था फर्स्ट वाले में, स्कैटर प्लॉट में, एंड उस डेटा फ्रेम का नाम है AVG एज इन एवरेज. और ये डेटा फ्रेम है जिसमें तीन कॉलम्स है. पहला है बैट्समैन नेम, सो यहाँ पे हमारे पास 50 बैट्समैन आर देयर, राइट, टॉप 50 बैट्समैन बेसिकली. और उनका दो कॉलम्स हमने पिक किया है, फर्स्ट इज देयर एवरेज कॉलम एंड सेकेंड इज देयर स्ट्राइक रेट कॉलम. अगेन ये बैट्समैन रन्स नहीं है, ये स्ट्राइक रेट है, ठीक है. अभी हम क्या करेंगे, इस एवरेज कॉलम के ऊपर डिस्क प्लॉट को प्लॉट करके देखेंगे, ठीक है. सो एज आई सेड यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है वर्क फ्लो. सो द फर्स्ट थिंग दैट यू डू इज यू क्रिएट अ वेरिएबल बाय द नेम ऑफ हिस्ट डेटा एज एन हिस्टोग्राम डेटा, और ये एक लिस्ट होता है. इसमें बेसिकली तुम यो यूल पास योर कॉलम नेम जिसका भी ऊपर तुमको अपना डिस्क प्लॉट प्लॉट करना है. सो इन आर केस इट वुड बी एवरेज डेटा फ्रेम का एवरेज कॉलम, ठीक है. द सेकेंड थिंग इज ग्रुप लेबल्स, और यहाँ पे यू जस्ट प्रोवाइड अ लेबल कि तुम क्या निकाल रहे हो. सो वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द एवरेज, एंड देन वॉट यू डू इज यू क्रिएट अ फिगर. दिस टाइम फिगर क्रिएट करने का फंडा थोड़ा अलग है. यू यूज द फिगर फैक्ट्री जिसमें और भी बहुत कॉम्प्लेक्स ग्राफ्स प्लॉट करने का कोड है, बट हम ये वाला फंक्शन यूज करेंगे जिसका नाम है क्रिएट डिस्ट प्लॉट, ठीक है. और डिस्ट प्लॉट के अंदर व्हाट वी विल डू इज विल जस्ट पास टू थिंग्स, फर्स्ट इज हिस्ट डेटा एंड सेकेंड इज योर ग्रुप लेबल्स, एंड फाइनली यू विल यूज द PYO लाइब्रेरी टू प्लॉट दिस पर्टिकुलर फिगर, एंड दैट्स द कोड, ठीक है. शिफ्ट एंटर कर रहे हैं एंड यू कैन सी दिस इज द कोड, ठीक है. सो दिस इज अ वेरी नाइस हिस्टोग्राम, दिस इज योर KDE एंड दिस इज योर रग प्लॉट, ठीक है. वॉट यू कैन डू इज
you can plot मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट्स ऑन द सेम ग्राफ. ठीक है, कैसे कर सकते हैं? अभी मैंने आपको दिखाया कि हम एवरेज ने हमने प्लॉट किया, लेट्स ऑल्सो प्लॉट स्ट्राइक रेट्स. ठीक है, तो हिस्ट डेटा वाले लिस्ट में वॉट यू विल डू इज यू विल पास द सेकेंड कॉलम और उसका नाम है बैट्समैन रन्स, ऑल दो वो स्ट्राइक रेट रिप्रेजेंट करेगा. और ग्रुप वेरिएबल्स में वॉट यू विल डू इज यू विल जस्ट पास स्ट्राइक रेट. ठीक है, और बाकी कोई चेंजेस करने का जरूरत नहीं है, बाकी का काम ऑटोमेटिकली प्रॉटली हैंडल कर लेगा. शिफ्ट एंटर एंड हियर इट इज. सी, हमने एक ही पर्टिकुलर प्लॉट में साइड बाय साइड ये दोनों वैल्यूज या दोनों क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करवा लिया. ठीक है, सो दिस इज आवर एवरेज एंड दिस इज आवर स्ट्राइक रेट. तो यू कैन सी कि एवरेज मोस्टली 20 to 40 के बीच में लाई कर रहा है और जो अपना स्ट्राइक रेट है वो मोस्टली अपना 100 to, इनफैक्ट 100 से ज़्यादा ही है और 160 तक जा रहा है. ठीक है, सो दैट वॉज दिस प्लॉट. एक और चीज़ हम लोग देख सकते हैं कि या व्हाट वी कैन डू इज वी कैन एक्चुअली मॉडिफाई द बिन साइज. सो देर इज अ पैरामीटर कॉल्ड बिन साइज, आई गेस इट्स ओनली बिन साइज, एंड वहां पे यू कैन अगेन पास अ लिस्ट एंड दैट लिस्ट विल कंटेन, लेट्स से हमने एवरेज में दे दिया 10 का और स्ट्राइक रेट में दे दिया 20 का. ठीक है, शिफ्ट एंटर. इनवैलिड सिंटेक्स, माई मिस्टेक, सॉरी. ये आप यहाँ पे नहीं दोगे ऑब्वियसली बिकॉज इट्स अ लिस्ट, यहाँ पे दोगे इनसाइड दिस फंक्शन कॉल. सॉरी, शिफ्ट एंटर एंड यू कैन सी कि ये 10 का पकड़ के चल रहा है और ये अपना 20 का पकड़ के चल रहा है. ठीक है, तो दैट वॉज दिस प्लॉट. काम का है अगर तुम सही से यूटिलाइज करना जानते हो. ठीक है, सो फाइनली एक प्लॉट और बच गया विच इज हीट मैप्स. सो लेट्स डू इट. सो द नेक्स्ट प्लॉट दैट वी आर गोइंग टू डू इज हिस्टोग्राम. सो हिस्टोग्राम भी आई गेस आइडिया है तुम लोग को. हिस्टोग्राम में तुम क्या करते हो, एक कॉलम उठाते हो जो कंटिन्यूअस होता है, न्यूमेरिकल होता है. फिर तुम क्या करते हो, बिन्स क्रिएट कर देते हो, एज इन इंटरवल्स क्रिएट कर देते हो, और उस इंटरवल में कितना फ्रीक्वेंसी एज इन कितना डेटा लाई कर रहा है उसका काउंट तुम प्लॉट करते चले जाते हो. जैसे अगर तुम इस पर्टिकुलर डेटा का बात करो तो 10 to 15 के रेंज में 20 पॉइंट्स आ रहे हैं, 15 to 20 के बीच में 25 पॉइंट्स आ रहे हैं, 20 to 25 के बीच में 30 पॉइंट्स आ रहे हैं. ठीक है, सो दिस इज हिस्टोग्राम. आई गेस प्रोबेबली सबसे पहले हमने यही ग्राफ पढ़ा था. सो इट्स वेरी सिंपल, फ्रीक्वेंसी काउंट इन एन इंटरवल जिसको हम बिन भी बोलते हैं. ठीक है, तो हम ये वाला प्लॉट लेते हैं. ये प्लॉट को डिस्प्ले करने के लिए मैंने क्या किया है, मैंने सबसे पहले वो बैट्समैन लोगों को पिक किया पूरे बैट्समैन लोगों में से जिन्होंने मिनिमम 150 बॉल्स खेला. ठीक है, और मैंने उन लोगों का स्ट्राइक रेट निकाला, रन्स निकाला, बॉल्स निकाला, डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई किया और जो भी सीरीज मिला उसको मैंने डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया एंड दिस इज द रिजल्ट. ठीक है, एक बार मैं रीरन कर देता हूँ. या सो इन टोटल मेरे पास 162 बैट्समैन हैं, सभी का नाम है मेरे पास और सभी का स्ट्राइक रेट है. ठीक है, तो मुझे बैट्समैन नेम से कोई फर्क नहीं पड़ रहा इस पॉइंट पे, मुझे बस बैट्समैन रन्स, एक्चुअली ये बैट्समैन स्ट्राइक रेट होना चाहिए अगेन, बट हम रीनेम नहीं कर रहे, इट्स ओके, हमें स्ट्राइक रेट से मतलब है. ठीक है, तो व्हाट वी विल डू इज विल स्टार्ट राइटिंग द कोड. कोड इज अगेन वेरी सिंपल, यू राइट ट्रेस इज इक्वल टू गो डॉट, द फंक्शन दिस टाइम वुड बी हिस्टोग्राम, या एंड यू विल पास योर एक्स वेरिएबल विच वुड बी हमारे इस डेटा फ्रेम का नाम है एस आर एज इन स्ट्राइक रेट. सो यू विल पास एस आर एंड यू विल पास द नेम ऑफ द कॉलम विच इज बैट्समैन रन्स एंड यू कैन प्रोवाइड अ नेम इफ यू वॉन्ट, द नेम कुड बी स्ट्राइक रेट वेरिएशंस. ठीक है, एंड देन यू कैन राइट डेटा इक्वल्स ट्रेस, यू कैन राइट लेआउट इक्वल्स गो डॉट लेआउट, देयर वुड बी अ टाइटल टाइटल
टाइटल. इनफैक्ट व्हाट आई थिंक इज, यहाँ पे तुमको नेम देने का जरूरत नहीं है बिकॉज तुम एक ही चीज एनालाइज कर रहे हो. यहाँ पे यू कैन राइट स्ट्राइक रेट एनालिसिस, ठीक है, एंड ऑन द एक्स एक्सिस यू कैन राइट अ टाइटल ऑफ नो स्ट्राइक रेट्स. This would be fine. You'll create a figure object which would be equal to go dot figure function, and you will pass your data equals data and layout equals layout, and finally using the pyo library you will call the plot function and you'll pass the figure. Let's run the code. एंड हेयर इट इज, यहाँ पे अपना स्ट्राइक रेट्स है, वाई एक्सिस पे आप फ्रीक्वेंसी अकाउंट लिख सकते थे. तो यू कैन सी मोस्ट ऑफ द बैट्समैन हैव स्ट्राइक रेट्स इन बिटवीन 110 एंड 130, जो कि लॉजिकल भी है. और इस साइड थोड़े से आउटलायर्स हैं. सो थोड़ा सा अगर तुम नोटिस करो तो काइंड ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जैसा ही आ रहा है, ठीक है. सो दैट्स नाइस. एक दो काम जो हम इसके ऊपर कर सकते हैं वो ये है कि हम ये बिन साइज को बढ़ा घटा सकते हैं. जैसे अभी करेंटली इसने 5 का बिन साइज लेके रखा है, ठीक है. जैसे कि यहाँ पे होवर करोगे तो तुमको समझ में आएगा. और ये बता रहा है 120 से 125 के बीच में देर आर 29 बैट्समैन, 110 से 115 के बीच में देर आर 22 बैट्समैन, और 160 से 165 के बीच में देर इज वन बैट्समैन, ठीक है. तो वॉट वी कैन डू इज यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज दैट बिन साइज, एंड यू कैन डू इट लाइक दिस. देर इज अ एट्रीब्यूट, देर इज एन पैरामीटर कॉल्ड एक्स बिन्स, और इसके अंदर यू कैन पास अ डिक्शनरी जिसमें एक की होता है साइज. अगर मैंने साइज लेट से 2 कर दिया और अब रन किया, ये देखो साइज हमने कम कर दिया, और उसकी वजह से यू विल नोटिस कि इन इंटरवल्स में लाइक 147 टू 148.99 एज इन 149 तक में इतने बैट्समैन हैं, बट उसके बाद हमारे पास कुछ पर्टिकुलर बिन्स में कोई डेटा नहीं है. जैसे कि यहाँ पे भी हमारे पास कोई डेटा नहीं है, ठीक है. यही होता है, मतलब अगर आप बिन साइज छोटा करते जाओगे तो यू माइट गेट दिस सॉर्ट ऑफ वॉइड जो कि रिप्रेजेंट नहीं कर रहा कुछ भी वहाँ पर, ठीक है. यू कुड हैव ऑल्सो इंक्रीज द साइज, लाइक अभी 5 था, वी कुड हैव डन इट टू, वी कुड हैव चेंज्ड इट टू 10, एंड नाउ यू कैन सी हमारे पास थोड़ा और ब्रॉड कैटेगराइजेशन हमने किया. सो अभी भी सेम आउटपुट ही आ रहा है, 110 से 130 के बीच में ही मैक्सिमम बैट्समैन है. तो यू कैन प्ले अराउंड विद दिस, ठीक है. वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग दैट यू कैन डू इज कि लेट्स से हम लोग बिन साइज को 5 ही रहने देते हैं. आप क्या कर सकते हो, आप एक स्टार्ट और एंड पॉइंट डिफाइन कर सकते हो. लेट्स से अगर मुझे सारे लोगों का एनालिसिस नहीं करना, मुझे सिर्फ उन बैट्समैन लोगों का एनालिसिस करना है जो लोग 50 से लेके 100 के स्ट्राइक रेट के बीच में. तो व्हाट यू वुड डू इज यू विल राइट स्टार्ट इक्वल्स 50 एंड एंड इक्वल्स 100, ठीक है. अब क्या होगा, जो पहला ही डेटा आएगा वो 50 से स्टार्ट होगा और 100 पे जाके खत्म हो जाएगा. मैं रन कर रहा हूँ कोड को. ओके, सो देयर इज इनवैलिड सिंटैक्स बिकॉज दीज आर स्ट्रिंग्स, आई एम सॉरी. या शिफ्ट एंटर, अभी भी इनवैलिड सिंटैक्स. एक्स बिन्स साइज स्टार्ट 50 एंड 100. दिस शुड, ओ आई एम सॉरी, दिस शुड नॉट बी इक्वल टू, राइट, माई मिस्टेक. शिफ्ट एंटर एंड सी, 50 से स्टार्ट हुआ और 100 पे ख़त्म हो गया, और बहुत सिमिलर काइंड ऑफ डेटा है इसीलिए मर्ज लग रहा है, ठीक है. अगर हम इसको थोड़ा सा घटा दें, लाइक रेंज अगर हम 2 कर दें तो प्रोबेबली हमको थोड़ा वेरिएशन दिखेगा. या ठीक है, सो 100 पे ख़त्म हो रहा है, 50 पे स्टार्ट हो रहा है. एक्चुअली 50 पे भी स्टार्ट नहीं हो रहा, 86 पे स्टार्ट हो रहा है. प्रोबेबली उस तरफ बैट्समैन नहीं है 86 के नीचे, सबसे मिनिमम ही 86 है, ठीक है. सो लॉजिकल भी है, मतलब अगर किसी ने IPL में 150 बॉल्स खेली होंगी, उसका स्ट्राइक रेट 86 से कम बहुत ही खराब परफॉर्मेंस होगा, तो एनीवेज वो इतनी बॉल्स खेलेगा नहीं, टीम उसको खिलाएगी नहीं.
सो यू कैन क्रॉस चेक द डेटा बट दैट्स हिस्टोग्राम. ठीक है, तो आई गेस ये वाला चीज़ भी समझ में आ गया. सो द लास्ट प्लॉट दैट वी आर गोइंग टू डू हेयर इज हीट मैप्स. हीट मैप्स के ऊपर हमने काम किया है. सो होता क्या है कि हीट मैप्स में तुम तीन वेरिएबल्स के ऊपर काम करते हो साइमल्टेनियसली. सो पहले दो वेरिएबल्स एक्स और वाई एक्सिस पे आ जाते हैं. सो दीज मे बी ईदर कैटेगोरिकल वेरिएबल्स और न्यूमेरिकल वेरिएबल्स और अ कैटेगोरिकल एंड अ न्यूमेरिकल वेरिएबल. और थर्ड जो चीज़ होता है वो वैल्यू बन जाता है इन द फॉर्म ऑफ कलर. ठीक है, और ये जो वैल्यू है जो बीच में आता है, जो वैल्यू बनता है, दिस शुड बी अ न्यूमेरिकल वेरिएबल, तभी आप कलर का ग्रेडियंट शो कर पाओगे. ठीक है, सो हम क्या कर रहे हैं, मैंने एक सिंपल सा डेटा फ्रेम बनाया 6 बोल के जो तुम्हारे स्क्रीन पे है. बहुत सिंपल है, मैंने बस ग्रुप बाय किया है और सिर्फ वो रोज पकड़े हैं जहाँ पे बैट्समैन रन्स का वैल्यू 6 है, बेसिकली जब बैट्समैन ने छक्का मारा. और मैंने उस पर काउंट निकाला बैटिंग टीम और ओवर के ऊपर ग्रुप बाय करके, और रीसेट इंडेक्स जैसे किया तो मेरे पास ये डेटा फ्रेम है जिसमें इन टोटल देर आर 275 रोज और तीन कॉलम्स हैं. सो द फर्स्ट कॉलम इज बैटिंग टीम नेम, सेकेंड इज ओवर, थर्ड इज बैट्समैन रन्स विच इज बेसिकली नंबर ऑफ सिक्सेस. ठीक है, सो हो क्या रहा है, हम ये देख रहे हैं कि चेन्नई सुपर किंग्स ने आज तक आईपीएल में फर्स्ट ओवर में कितने छक्के मारे, चेन्नई सुपर किंग्स ने सेकंड ओवर में कितने मारे हैं, ऐसे करते करते चेन्नई सुपर किंग्स ने 20th ओवर में कितने छक्के मारे हैं, और ऐसा हमने हर टीम के लिए किया. और ये मेरा डेटा फ्रेम है. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यूजिंग दिस डेटा फ्रेम वी आर गोइंग टू प्लॉट द हीट मैप. सो फंडा बहुत सिंपल है, वॉट यू विल डू इज यू विल क्रिएट अ ट्रेस विच वुड बी इक्वल टू गो डॉट हीट मैप. और इसमें तुम तीन चीज़ें पास करते हो, पहला एक्स जो हमारे केस में होगा 6 हमारे डेटा फ्रेम का नाम, और वो कॉलम जो तुमको एक्स एक्सिस पे डालना है. लेट्स से हमने डाल दिया बैटिंग टीम हाँ राइट. देन ऑन टू द वाई एक्सिस वी विल पुट दिस कॉलम ओवर, और लास्ट में Z में वी विल पुट द थर्ड कॉलम विच इज 6 का ही बैट्समैन रन्स विच इज बेसिकली द काउंट ऑफ सिक्सेस. ठीक है, देन यू विल राइट डेटा इक्वल्स, इट वुड बी अ लिस्ट एंड यू वुड प्रोवाइड योर ट्रेस, देन यू वुड प्रोवाइड योर लेआउट विच वुड बी इक्वल टू गो डॉट लेआउट and you just pass the values. So title equals 6 heat map kuch bhi, right, then we'll create a figure which would be equal to go dot figure, and yahan pe you will pass data equals data and layout equals layout. And finally, you will just write pyo dot plot and you will pass the figure. Shift enter. And this is it. This is the heat map. ठीक है, so यहाँ पे साइड में आपका स्केल आ रहा है, जितना येलोइश शेड है उतना ज़्यादा सिक्सेस हिट किया है टीम. सो यू कैन सी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर इज a very dangerous team in the last 5 overs. Same goes with Mumbai Indians, and rest of the teams are close, I mean, right. And you can see a general pattern ki jaise jaise over khatam hone wale hote hain to teams zyada chakke maarti hai. Theek hai, so ye pehle bhi kar chuke hain, kuch naya nahi hai. Naya cheez karte hain ki ek saath do heat maps ko plot karte hain side by side. Kaise karenge, humne jaise yahan pe sixes nikala, jis logic se, going by the same logic मैंने डॉट्स भी निकाला, सेम लॉजिक. ठीक है, सो डॉट्स निकालने का फंडा बहुत सिंपल है, बैट्समैन रन्स इक्वल टू जीरो, तो मेरे पास अब ऐसा दिखाई देगा, दिस इज डॉट्स. सो चेन्नई सुपर किंग्स ने ओवर नंबर 1 में अभी तक 524 डॉट्स गैदर किए हैं. रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने 11th ओवर में 303 डॉट्स गैदर किए अभी तक टोटल. ठीक है, अब क्या करना है, सिंस मुझे साइड बाय साइड दो हीट मैप्स प्लॉट करना है, इसके लिए मुझे एक चीज़ चाहिए पड़ेगा, उसको बोलते हैं टूल्स. ठीक है,
फिर मैंने क्या किया, मैंने दो ट्रेसेस बनाए, ट्रेस वन एंड ट्रेस टू. और व्हाट आई हैव डन इज मैंने वहाँ पे अपना एक्स वाई और जेड पास कर दिया, ठीक है. एंड यू कैन सी इस बार मैंने ऊपर में 6 लिया और यहाँ पे डॉट्स लिया, ठीक है. और उसके बाद यहाँ पे मेन काम स्टार्ट हुआ. इस बार हमने फिगर इक्वल टू लेआउट और डेटा से नहीं बनाया, इंस्टेड हमने टूल्स वाली लाइब्रेरी को कॉल करके एक फंक्शन को कॉल किया जिसका नाम है सब प्लॉट, मेक सब प्लॉट्स. सो हो रहा है, हो क्या रहा है कि हम एक प्लॉट के अंदर दो प्लॉट्स क्रिएट कर रहे हैं तो उसको सब प्लॉट बोलते हैं, ठीक है. उसको बेसिकली हम बस कन्फिगर करने का ट्राई कर रहे हैं. हम ये बोल रहे हैं कि हमारे दोनों जो हीट मैप्स होंगे वो सेम रो में आएंगे और मुझे बस दो कॉलम्स चाहिए. सो पहले कॉलम में पहला हीट मैप, दूसरे कॉलम में दूसरा हीट मैप, और दोनों को मैंने टाइटल प्रोवाइड कर दिया. सो पहले वाले का टाइटल होगा सिक्सेस और दूसरे वाले का होगा जीरोस, ठीक है. और शेयर्ड वाई एक्सिस का मतलब है कि ऑब्वियसली हम एक रो में प्लॉट कर रहे हैं तो दोनों का वाई एक्सिस सेम हो जाएगा, ठीक है. और उसके बाद हमने क्या किया, हमारा फिगर सिंस क्रिएट हो गया, हम फिगर में ये फंक्शन कॉल किया अपेंड ट्रेस बोल के. और हमने पहले कौन सा ट्रेस अपेंड किया, ट्रेस वन, और उसको हमने वैल्यू प्रोवाइड किया एज इन पोजिशन प्रोवाइड किया वन वन का, ठीक है. सिमिलरली मैंने फिगर अपेंड अपेंड ट्रेस किया और इस बार ट्रेस टू प्रोवाइड किया और यहाँ पे नाम रखा वन टू का. अगर एक और ट्रेस होता तो हम ट्रेस थ्री लिख करके वन थ्री पास करते. और इतना करने के बाद वी हैव डन पी वाई ओ डॉट प्लॉट, फिगर को पास किया एंड दिस इज द हीट मैप, ठीक है. सो ये सिक्सेस का हीट मैप है और ये जीरोस का हीट मैप है और ये अपना स्केल है. दोनों साइड बाय साइड आ गए एंड यू कैन सी अ जनरल पैटर्न कि टीम्स डॉट बॉल्स ज़्यादा खेलती हैं ड्यूरिंग द इनिशियल ओवर्स एंड टीम्स ज़्यादा छक्के मारती है ड्यूरिंग द फाइनल ओवर्स, ठीक है. तो ये एक बार प्रैक्टिस कर लेना किसी और पर्टिकुलर सिनेरियो के ऊपर. एंड दैट वॉज इट अबाउट प्लॉटली. ऑब्वियसली प्लॉटली में और भी बहुत कुछ है बट प्लॉटली का मेन काम है कि वो डैश में यूटिलाइज करते हैं और डैश बहुत इंपॉर्टेंट है. सो हमने उतना पढ़ लिया कि हम डैश पे मूव ऑन कर पाएँ और वो हम लोग सैटरडे संडे को करेंगे, ठीक है. सो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय.